हेलो एवरीवन तो जैसा कि आप सब जानते हैं हम बना रहे थे ट्विटर का फुल स्टेक क्लोन विथ रिएक्ट जेस एंड स्प्रिंग बूट एंड पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया था स्प्रिंग सिक्योरिटी को कॉन्फिगर किया था एंड साथ ही हमारी एप्लीकेशन को माइसिकोल डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया था एंड रजिस्टर एंड लॉग के लिए ए बनाई थी एंड टूडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि बाकी की जितनी भी ए है वो सारी ए आज इंप्लीमेंट करने वाले हैं हम ठीक है सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये जो हमने सारे मॉडल्स लिखे थे ठीक है पिछले वीडियो में वो सारे मॉडल्स के लिए मैं रिपोजिट्री बनाऊंगा आज सो लेट मी ओपन दिस एंड यहाँ पर मैंने यूजर रिपोजिट्री एक बनाई हुई है इसके अलावा मुझे लाइक रिपोजिट्री एंड ट्विटर रिपोजिट्री क्रिएट करनी है ठीक है सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट लाइक रिपोजिट्री इन साइड दिस पैकेज आई विल क्रिएट न्यू क्लास एंड इस क्लास का नेम में दे दूंगा लाइक रिपोजिट्री लाइक रिपोजिट्री ओके एक्चुअली ये क्लास नहीं इंटरफेस रहेगा सो लेट मी चेंज इट इंटरफेस एंड इस लाइक रिपोजिट्री को एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड्स विथ जेपी रिपोजिट्री ठीक है एंड यहाँ पर मैं एंटिटी का नेम दे दूँगा सो so, यहाँ पर मुझे लाइक like देना पड़ेगा लाइक like एंटिटी के लिए है ये एंड आईडी uh, का जो टाइप है वो मुझे यहाँ पर देना है सो so, उसका टाइप लॉन्ग है ठीक है लेट मी शो यू दैट यहाँ पर लाइक like है इसमें जो आई मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है ठीक है इस आई का टाइप क्या है लॉन्ग है सो so, ये वाला टाइप मुझे यहाँ पर देना था ओके okay? एंड uh, uh, यहाँ पर मुझे कुछ मेथड तो इनबिल्ट मिलेगी लाइक like, लाइक like को सेव करने के लिए इसके बाद डिलीट करने के लिए एंड फाइंड बाय आईडी में मैं कर सकता हूँ ठीक है वो सारी मेथड्स तो मुझे मिलेगी लेकिन मुझे कुछ कस्टम मेथड भी चाहिए कि इज़ लाइक एग्जिस्ट क्या ये जो यूज़र ने लाइक like की है वो लाइक ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है इसके बाद मुझे वो सारी लाइक्स चाहिए जो अगर मैं एक ट्वीट की आईडी पास करूं ठीक है तो उस ट्वीट पे जितनी भी लाइक्स है वो सारी लाइक्स की लिस्ट मुझे चाहिए ठीक है वो दोनों मेथड मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है सो लेट्स डू दिस फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि लाइक like एग्जिस्ट है क्या सो इज लाइक एग्जिस्ट एंड यहाँ पर मुझे पराम्स में देना पड़ेगा यूजर आई डी एंड यहाँ पर लॉन्ग एंड यूजर आई इसके अलावा मैं दूंगा पराम्स में ट्वीट आई डी so, सो परम्स एंड यहाँ पर दे दूंगा ट्वीट आई डी हाँ इसका टाइप भी रहेगा लॉन्ग एंड ट्वीट आई डी सो लेट मे इम्पोर्ट दिस पर ओके पराम अच्छा पराम आएगा ना Uh, इसको करता इम्पोर्ट पराम ऑल राइट right. पराम ओके एंड नाउ गाइज लेट मी राइट क्वायरी इसके बाद मैं आपको समझाता हूं ठीक है ये मेथड सो फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस क्वायरी एंड यहां पर सिलेक्ट एल फ्रॉम लाइक एक्चुअली लाइक मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ठीक है लाइक एल सो गाइज यहां पर जो मैंने लाइक like दिया हुआ है ना वो आपको इंटी आपने जो इंटीटी क्लास का जो भी नेम दिया है वो सेम नेम आपको यहां पर देना पड़ेगा ठीक है तभी ये वर्क करेगा लाइक एल ओके सिलेक्ट एल फ्रॉम लाइक एल वेर एल डॉट यूजर डॉट आई डी इक्वल टू कौन सी यहां पर जो हमने यूजर आई डी पास की है वो यूजर आई डी ठीक है सो यूजर आई डी एंड एल डॉट ट्विट डॉट आई डी इक्वल टू पर मुझे दे देनी है ट्वीट आईडी। ओके सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वायरी सो सिलेक्ट एल फ्रॉम लाइक एल वेर एल डॉट यूजर आई डी सो इसके लाइक like के अंदर जो यूजर है उसकी आईडी इस यूजर आई डी से अगर मैच करती है एंड यहां पर मैंने एंड कंडीशन दी हुई है यूजर आई डी से मैच करती है एंड एल डॉट ट्वीट इसके अंदर जो ट्वीट है वो ट्वीट आईडी से इस ट्वीट आईडी मैच कर दी है ठीक है तो वो लाइक like एग्जिस्ट है इसका मतलब कि ये लाइक ऑलरेडी एग्जिस्ट है ठीक है किसी यूजर ने एक बार अगर ट्वीट को लाइक like किया हुआ है तो वो इज लाइक एग्जिस्ट आएगा अदरवाइज इसमें फॉल्स आएगा ठीक है न लाएगा मीन्स कोई भी लाइक like यहाँ पर रिटर्न नहीं होगी ओके okay, सो so इसका मतलब ये था नाउ लेट्स राइट अनदर अदर एंड देट इज नथिंग बट गेट लिस्ट ऑफ लाइक ठीक है अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ट्वीट की आईडी पास करूं तो इस ट्वीट के अंदर जितनी भी लाइक like है वो सारे लाइक like यहाँ पर मुझे मिल जाएगी लाइक फाइंड बाय ट्वीट आईडी लेट मी इंपोर्ट दिस लिस्ट फ्रॉम जावा डॉट यूटिल एंड यहाँ पर मुझे में पर आप में क्या चाहिए ट्वीट आईडी चाहिए लॉन्ग ट्वीट आईडी डी एंड सिलेक्ट एल फ्रॉम Like L where L dot fit dot ID equal to

उसकी आईडी एंड ये आईडी दोनों अगर मैच करती है तो वो सारे लाइक like मुझे यहाँ पर चाहिए ठीक है so, सो यहाँ पर मुझे लिस्ट ऑफ लाइक मिलेगी एंड दैट्स इट फॉर दिस लाइक रिपोजिटरी। नाउ लेट्स क्रिएट अ ट्विट रिपोजिटरी ओके सो ट्विट रिपोजिटरी यहां पर मैं बना लेता हूँ लेट मी गो टू रिपोजिटरी एंड क्रिएट न्यू इंटरफेस एंड एक्चुअली ट्विट रिपोजिटरी ट्विट रिपोजिटरी एंड इसको एक्सटेंड करेंगे जेपी रिपोजिटरी से एंड यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा ट्विट एंड हियर आई विल गिव लॉन्ग okay list tweets, list of tweets and uh, let me import this uh, tweet okay uh, find all find all by is fit uh, true and order by okay guys so, यहाँ पर मुझे क्या करना है कि वो सारी ट्वीट मुझे चाहिए हाँ लेट मी फर्स्ट गो टू ट्वीट मॉडल यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत या uh, yeah. यहाँ पर आप देखिए मैंने दो और मे बी तीन या दो दो फील्ड मैंने यहाँ पर पास की हुई है कि इज रिप्लाई एंड इज ट्वीट ठीक है सो इस रिप्लाई का मतलब है कि ये जो ट्वीट है वो किसी ने रिप्लाई किया हुआ है या फिर ये जो ट्वीट है वो ऑफिशियल यूजर ने कोई ट्वीट किया हुआ है ठीक है दो हो सकता है कैसे हमने कमेंट के लिए अलग से मॉडल नहीं बनाया है मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो हमने ट्वीट एंटिटी बनाई है ना वो रिप्लाई के लिए भी काम करेगी वर्क करेगी एंड ट्वीट के लिए भी वर्क करेगी ठीक है सो so, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कि ये रिप्लाई है या फिर ट्वीट है ठीक है so, सो यहाँ पर मैंने इज ट्वीट एंड इज रिप्लाई दिया हुआ अगर ये रिप्लाई है तो हम यहाँ पर ट्रू दे सकते हैं एंड अगर ट्वीट है तो हम यहाँ पर ट्रू दे सकते हैं ठीक है सो यही चीज़ अगर मैं ट्वीट रिपोजिटिव में आपको बताऊँ तो यहाँ पर मुझे वो सारी ट्वीट चाहिए कि इसमें इज ट्वीट जो है वो ट्रू हो ठीक है इज ट्वीट ट्रू हो रिप्लाई ना हो ठीक है इज ट्वीट ट्रू इसका मतलब कि ये सारी ट्वीट है रिप्लाई नहीं है ओके okay? सो so, ये चीजें मुझे यहां पर गायज फाइंड uh, करने के लिए मेथड लिखनी पड़ेगी सो लेट मी राइट फाइंड ऑल बाय फाइंड ऑल बाय इज ट्वीट ठीक है इज ट्वीट हमारे मॉडल uh, में फील्ड है एंड uh, वो क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए एंड इसके बाद ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट क्रिएटेड एट एंड इसको मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सो डी ई एस सी ठीक है सो so, गाइस ये मेथड लिखने का तरीका है रिपोजिटरी में मैंने आपको लेट मी इंपोर्ट दिस लिस्ट फर्स्ट ओके okay. मैंने आपको बताया था कि आ, अगर मुझे किसी फील्ड से आ, ट्वीट चाहिए लाइक इसका यूज़र ये है तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर यूज़र के रिलेटेड ट्वीट चाहता हूँ तो मैं इस यूज़र से फाइंड कर सकता हूँ ठीक है so, सो यहाँ पर ना गैज ये जो नेमिंग कन्वेंशन है कैमल गैस मैंने यहाँ पर यूज़ किया है यह बहुत ज़रूरी है ठीक है ये क्रूशल पार्ट है ये आपको नेमिंग कन्वेंशन ऐसे फॉलो करना ही है सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन पहले तो मैंने क्या लिखा हुआ है फाइंड ऑल ठीक है फाइंड ऑल बाय एंड इज ट्विट ट्रू सो इज ट्विट ट्रू इसका मतलब कि यहाँ पर जो इज ट्विट मैंने इस फील्ड दी हुई है ये फील्ड अगर ट्रू है ठीक है इस इस फील्ड की वैल्यू अगर ट्रू है तो मुझे सारे ट्विट चाहिए एंड इसके बाद मैंने क्या किया हुआ इसको ऑर्डर बाय किया हुआ है ऑर्डर बाई मीन्स मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है सो so, शॉर्ट भी किससे किया है क्रिएटेड एड ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट सो इसके अंदर मेरे पास क्रिएटेड एड फिल होगी क्रिएटेड एट आई थिंक क्रिएटेड एट मैंने यहाँ पर नहीं दी हुई है सो लेट मी डिफाइन यूर प्राइवेट क्रिएटेड एट एंड यहाँ पर मैं लोकल डेट दे देता हूँ लोकल रेट्स ओके सो okay. so, ये वाले फील्ड हो गए, क्रिएटेड एट ठीक है मुझे ऑर्डर बाय करना है क्रिएटेड एट एंड इसको भी मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ठीक है सो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है नाउ लेट्स राइट अनदर मेथड, लिस्ट ऑफ ट्वीट ये भी रहेगी अब ये जो दूसरी ट्वीट है ओके okay. इसमें हम लिखेंगे फाइंड बाई Retweet user, so let me go to here and show you retweet user. ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं retweet user में मैंने list of user दिया हुआ है सो so अगर ये जो रीट्वीट यूजर है वो यूजर को कंटेंस करता है सो कंटेन कंटेंस और यूजर आई एंड सो so, पहले तो अगर ये यूजर आई को कंटेंट करता है अदरवाइज एंड दूसरी कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए कि इज ट्विट इज ट्वीट ट्रू होनी चाहिए ठीक है इज ट्वीट क्या होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए एंड इसके बाद इसको मैं ऑर्डर बाई करना चाहता हूं ऑर्डर बाई क्रिएटेड एट टी ई एस सी डिसेंडिंग ऑर्डर एंड यहाँ पर मैं क्या लूँगा यूज़र लूँगा एंड लॉन्ग uh, यूज़र आई डी लूँगा अच्छा ये यूज़र को मैं यहाँ से इम्पोर्ट करूँगा ओके एंड लेट मे फिनिश दिस वेल सो फाइंड बाय रिट्विट यूज़र ठीक है सो so, इसका मतलब कि जिन जिन यूज़र ने इसको रिट्वीट किया है ठीक है वो सारी ट्वीट मुझे यहाँ पर मिलेगी मान लो मैंने यहां पर कोई यूजर दिया हुआ है तो इस यूजर ने कितनी ट्वीट जो है वो रीट्वीट की हुई है ठीक है वो सारी ट्वीट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी सो so, यहाँ पर फाइंड बाय रीट्वीट यूजर कंटेंट्स रीट्वीट यूजर कंटेंट्स और यूजर आईडी एंड इज ट्वीट ट्रू तो ये रिप्लाई नहीं होनी चाहिए ठीक है ट्वीट होनी चाहिए एंड इसको ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने किया हुआ ओके नाउ लेट्स राइट सो यहां से गाइज मुझे यहां पर जो भी मैं यूजर दूंगा उस यूजर ने जितनी भी ट्वीट रीट्वीट की हुई की हुई है वो आ, सारी ट्वीट यहां पर मुझे मिल जाएगी ठीक है एंड uh, इसके बाद नाउ लेट्स राइट फाइंड बाय लाइक्स कंटेनिंग containing order by created at एंड यहां पर भी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दूंगा ठीक है मीन्स जो नई ट्विट क्रिएट हुई है वो पहले आएगी ओके फाइंड बाय लाइक्स कंटेनिंग सो लेट मी गो टू हेयर यहां पर मैंने लाइक्स का दिया होगा यहां पर है लाइक्स ठीक है फाइंड बाय लाइक्स कंटेनिंग सो लेट मी गो टू हीर ओके okay. इस फाइंड बाय लाइक्स कंटेनिंग ओके सो ये जो लाइक्स है ठीक है इसके अंदर ये वाला यूज़र अगर प्रेजेंट है तो वो मुझे वो सारे लिस्ट यहाँ वो सारे ट्वीट की लिस्ट मुझे आ, देगी इसका मतलब कि यूज़र ने मान लो दस ट्वीट लाइक की है ठीक है वो किसी और की हो सकती है टेन ट्वीट लाइक की है वो सारी टेन की मुझे लिस्ट चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेथड को लिखा हुआ है ठीक है फाइंड बाय लाइक्स कंटेनिंग ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग ऑर्डर सो यहाँ पर मैं जो भी यूजर दूंगा उस यूजर ने जितनी भी ट्वीट लाइक like की हुई है वो सारी ट्वीट की लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी ऑल राइट नाउ लेट्स राइट अनदर मेथड लिस्ट ऑफ ट्वीट्स एंड फाइंड बाय Likes user ID Find by Likes user ID Okay and uh, long user ID Okay, now let's write a query. क्वा एक्चुअली क्वा यहां पर आएगा ना सिलेक्ट टी फ्रॉम ट्वीट सिलेक्ट टी फ्रॉम ट्वीट टी एंड इसको ज्वाइन करना है जॉइन t dot likes l where l dot user dot id equal to user id ठीक है यहां पर जो भी मैंने यूजर आई डी पास की हुई है गाइस सो so, यहां पर जो ट्वीट में लाइक्स है ओके okay, एंड उस लाइक like में जो यूज़र है वो यूज़र अगर इस यूज़र आईडी से मैच करता है तो मुझे सारे सारे लाइक्स आई मीन सारे ट्वीट चाहिए फाइंड बाय लाइक्स यूज़र आईडी। सो ये भी सेम है गैस कि अगर मैं किसी भी यूज़र आईडी पास करूँगा तो उस यूज़र ने जितनी भी लाइक्स जितनी भी ट्वीट लाइक की होगी वो सारी ट्वीट यहाँ पर मुझे मिल जाएगी ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड राइट ऑल द सर्विसेस ओके रिपोजिट यहाँ पर ख़त्म हुई एंड सर्विसेस में जाऊँगा यहाँ पर न्यू एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट्स फर्स्ट कंप्लीट आवर ट्विट सर्विस सो ट्विट सर्विस ओके सो ट्वीट सर्विस में गाइज मुझे क्या क्या चाहिए होगा सबसे पहले तो ट्वीट क्रिएट करने के लिए सो क्रिएट ट्विट फाइंड ऑल ट्विट री ट्वीट फिर ट्वीट को आई से फाइंड करने के लिए फाइंड ट्वीट बाई आई उसके बाद ट्वीट को डिलीट करने के लिए एंड यूज़र uh, को ट्वीट से हटाने के लिए ठीक है वो मेथड भी हम यहीं पे लिखेंगे यूज़र में नहीं लिखेंगे लाइक कोई यूज़र अगर uh, रीट्वीट में से इसको अन करना चाहता है ठीक है तो वो मेथड भी यहीं पर आएगी इसके बाद रिप्लाई करने के लिए एंड गेट यूज़र्स ट्वीट ठीक है किसी पर्टिकुलर यूज़र की आईडी दो एंड यूज़र की सारी ट्वीट मुझे मिल जाए ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाता जाऊंगा ठीक है ऐसा क्योंकि समझ आएगा लेकिन बहुत कम सो दैट्स वाई ओके लेट्स राइट पब्लिक ट्वीट ये क्या रिटर्न करेगी ट्वीट रिटर्न करेगी एंड पहली मेथड है हमारी क्रिएट ट्वीट सो ये जो क्रिएट ट्वीट है नई ट्वीट क्रिएट करने के लिए है ठीक है एंड ये रिक्वेस्ट लेगी ट्वीट एंड दूसरा पैरामीटर लेगा यूजर ओके और अगर कोई एक्सेप्शन आया तो यूजर एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है यूजर एक्सेप्शन एंड सेकंड ट्विट एक्सेप्शन सो so, लेटमी ओके okay, ट्विट एक्सेप्शन कॉपी के लिए हटा देते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे आ, ये क्या बोल रहा है अच्छा एक्चुअली मुझे इसको ना इंटरफेस बनाना था इंटरफेस ओके okay, now लेट मी import दिस ट्वीट एंड also दिस user. So सो हमारी क्रिएट ट्वीट कंप्लीट हुई इसके बाद पब्लिक लिस्ट ऑफ ट्विट सो लिस्ट ऑफ ट्विट फाइंड ऑल tweets, फाइंड ऑल tweets. ठीक है सो so, गाइज जो हमारा होम पेज है वहां पर दिखाने के लिए फाइंड ऑल ट्वीट है एंड इसके बाद पब्लिक ट्वीट एंड लेट मी इंपोर्ट दिस ट्वीट इसके बाद रीट्वीट ओके रीट्वीट करने के लिए है ये सो लॉन्ग यहां पर मुझे ट्वीट की आईडी देनी पड़ेगी किस ट्वीट को मैं रीट्वीट करना चाहता हूं एंड यूजर कौन सा यूजर जो है वो इसको रेट वेट करना चाहता है, सो थ्रोस यहाँ पर भी यूज़र एक्सेप्शन आएगा यूजर एक्सेप्शन एंड इसके अलावा गायस यहाँ पर ट्वीट एक्सेप्शन भी आएगा क्योंकि यहाँ पर जो मैं ट्वीट आईडी देने वाला हूँ वो ट्वीट एक्जिस्ट भी तो होनी चाहिए अगर एग्जिस्ट नहीं है तो ये मुझे ट्वीट एक्सेप्शन थ्रो करेगा सो लेट मी ट्वीट एक्सेप्शन एंड या आई नो ट्विट एक्सेप्शन अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया ट्विट एक्सेप्शन का क्लास सो लेट मी क्रिएट वन क्लास फॉर दिस क्रिएट क्लास ट्विट एक्सेप्शन एंड यहाँ से मैं पैकेज में से एक्सेप्शन चूज़ uh, कर लूँगा ओके करूँगा एंड फिनिश कर दूँगा एंड uh, यहाँ पर मुझे uh, इसका जो है कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा एंड इस कंस्ट्रक्टर में मुझे सुपर गिवर्ड के साथ मैसेज को पास करना पड़ेगा सो so, सुपर मैसेज एंड ये मैसेज कहाँ से आएगा सो मैसेज यहां से आएगा स्ट्रिंग होगा ठीक है ऑल राइट इट नाउ लेट मी गो टू ट्वीट सर्विस एंड यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका इसके बाद फाइंड बाय आईडी ठीक है अगर किसी ट्वीट को हम आईडी से फाइंड करना चाहें तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर मेथड देनी पड़ेगी फाइंड बाय आईडी लॉन्ग एंड ट्वीट आईडी ठीक है जो भी ट्वीट आई दूंगा वो ट्वीट आई मुझे यहाँ पर मिल जाएगी सो थ्रो टी एच आएगा ना टी एच थ्रोस थ्रोज ट्विट एक्सेप्शन ठीक है यहाँ पर जो मैंने आई दी हुई है उस आई से कोई ट्वीट एग्जिस्ट भी तो होनी चाहिए अगर एग्जिस्ट नहीं है तो इसको ट्वीट एक्सेप्शन थ्रो कर दो ठीक है इसके बाद पब्लिक एंड वॉइड क्योंकि यहाँ पर ट्वीट को हम डिलीट करने वाला है सो डिलीट ट्वीट बाई आई डी सो डिलीट ट्विट्स बाय आईडी एंड यहाँ पर मुझे लॉन्ग उस ट्वीट की आईडी दे देनी है ट्वीट आईडी एंड लॉन्ग यहाँ पर मुझे यूजर आईडी दे देनी है थ्रोस ट्वीट एक्सेप्शन एंड यूजर एक्सेप्शन ठीक है यहाँ पर क्योंकि मैं ट्वीट आईडी एंड यूजर आईडी पास कर रहा हूँ सो so, वो दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए अगर नहीं है तो ट्वीट एक्सेप्शन अगर यूजर आईड यूजर एग्जिस्ट नहीं है तो यूजर एक्सेप्शन ठीक है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसके अलावा रिमूव फ्रॉम रीट्वीट। सो पब्लिक ट्वीट रिमूव फ्रॉम अच्छा ये मैंने क्या किया रिमूव फ्रॉम फिट ठीक है अगर कोई यूजर ने किसी ट्वीट को रिट्वीट किया है ठीक है सो इसके बाद वो अनिट्वीट भी कर सकता है इसलिए मैंने यहां पर यह दिया हुआ है राइट नाउ ट्वीट आई डी एंड यूजर यूजर ओके एंड थ्रोज यहां पर भी ट्वीट एक्सेप्शन एंड यूजर एक्सेप्शन ठीक है यहाँ पर जो मैंने ट्वीट आईडी दिया है वो इस ट्वीट को यूजर अंड रिट्वीट करना चाहता है एंड यहाँ पर जो यूजर दिया है वो कौन सा यूजर अंड रिट्वीट करना चाहता है ऑल राइट right. इसके बाद क्रिएट रिप्लाई सो पब्लिक ट्वीट्स, एंड यहाँ पर मेथड आएगी क्रिएट क्रिएट रिप्लाई ठीक है सो रिप्लाई क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट uh, देनी पड़ेगी एंड यूजर देना पड़ेगा कि कौन सा यूजर रिप्लाई क्रिएट करना चाहता है सो ट्विट रिप्लाई रिक्वेस्ट एक्चुअली रिक्वेस्ट रिप्लाई ट्वीट रिप्लाई रिक्वेस्ट ट्वीट रिप्लाई रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास मेथड है नहीं सो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है सो डोंट वरी यूजर एंड यूजर थ्रोज यहाँ पर ट्वीट एक्सेप्शन आएगा ठीक है ट्विट एक्सेप्शन क्यों क्योंकि हम कौन सी ट्वीट के लिए हमारा रिप्लाई क्रिएट करना चाहता है वो ट्वीट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए अगर नहीं है तो हम ट्वीट एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे अब ये क्लास मेरे पास नहीं है सो लेट मी क्रिएट दिस क्लास ट्वीट रिप्लाई रिक्वेस्ट ओके सो एक्चुअली ये जो ट्वीट रिप्लाई रिक्वेस्ट है वो मुझे कौन से पैकेज में रखना चाहिए हाँ आई थिंकिटिव रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट अच्छा रिक्वेस्ट मेरे पास है नहीं लेट मी क्रिएट फॉन आई थिंक कॉम डॉट जोश डॉट रिक्वेस्ट सो यहाँ से मैं दे देता हूँ रिक्वेस्ट ठीक है रिक्वेस्ट पैकेज हमारे पास है नहीं तो नया क्रिएट कर लेते हैं एंड इसी के अंदर इस क्लास को क्रिएट करते हैं ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट तो कंटेंट फील्ड आ जाएगी इसके बाद ट्वीट की आईडी मुझे देनी पड़ेगी ठीक है किस ट्वीट के लिए मैं ये रिप्लाई क्रिएट करना चाहता हूँ सो ट्विटर आई डी इसके अलावा प्राइवेट लोकल एट टाइम क्रिएटेड एट ठीक है ये रिप्लाई कब क्रिएट हुआ है इसके लिए एंड इमेज अगर मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ इमेज भी ठीक है ये ऑप्शनल है नाउ लेट मी इंपोर्ट दिस एंड यहाँ पर गाइज मैं गेटर सेटर वगैरह देने की बजाय मैं डायरेक्ट डेटा दे दूंगा सो so इसमें सब कुछ आ जाएगा ठीक है गेटर सेटर मैथ आई जाएगी नो आर्ट्स कंस्ट्रक्टर आ जाएगा एंड ऑल आर्ट्स कंस्ट्रक्टर भी आ जाएगा बॉक्स से ठीक है नाउ लेट मी गो टू सर्विस एंड या नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली ट्वीट सर्विस सो यहाँ से हमारा रिमूव भी हो जाएगा क्रिएट रिप्लाई भी हो जाएगा एंड uh, अब दो मेथड बचिए गेट यूजर ट्वीट ठीक है किसी पर्टिकुलर यूजर की ट्वीट को फाइंड करने के लिए सो so, पब्लिक ये भी लिस्ट ऑफ ट्वीट ही रहेगा ठीक है जितना uh, जो भी रेग यूजर है या फिर जिस भी यूजर की आईडी पे हम क्लिक करते हैं जिसकी यूजर की प्रोफाइल पे उस यूजर ने जितनी भी ट्वीट क्रिएट की होगी वो सारी ट्वीट हमें यहाँ पर मिल जाएगी सो ट्वीट यूजर यूजर एंड पब्लिक लिस्ट ऑफ ट्वीट यहाँ पर फाइंड बाय लाइक्स कंटेंट्स यूजर ओके सो यूजर ने जितनी भी ट्वीट लाइक की है वो सारी ट्वीट यहां पर मिलेगी लास्ट मेथड में ओके ना अब इसका सर्विस तो हमने इसके लिए लिख ली ठीक है इतनी सर्विसेज होगी हमारे ट्वीट में अब इसका इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं, गाइस सो मैं क्या करूंगा कि सर्विस में न्यू पे क्लिक करके एक नया क्लास बना लूंगा एंड इसका नाम दे दूंगा ट्विट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ट्विट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड uh, इसको इम्प्लीमेंट्स कर देंगे इम्प्लीमेंट्स ट्विट सर्विस ओके अब ये मुझे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड करने को बोलेगा सो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से और एंड वन मोर थिंग अब इसको मुझे सर्विस क्लास बनाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम सारा अपना बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं सो हियर आई हैव टू राइट हाँ आई हैव टू एनोटेट दिस क्लास विथ सर्विस एनोटेशन एंड इन दिस इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक आई नीड वन टू यू ट्विट्रिपोजिट्री एंड या लेट्स लेट्स राइट यर ट्विट रिपोजिट्री private fit repository fit repository and order wire ok uh, guys let me have some water this ke baat continue that hai ओके लेट्स कंटिन्यू नाउ सो क्रिएट ट्वीट कॉम्प्लीमेंट करते हैं यहां पर ओके ट्वीट ट्वीट इक्वल टू न्यू ट्वीट ओके एंड ट्वीट डॉट सेट कंटेंट रैक डॉट केट कंटेंट ट्विट डॉट सेट क्रिएटेड एट यहाँ पर मैं गाइज लोकल डेट डोट टाइम दे दूंगा डॉट नाउ ठीक है इसके अलावा ट्वीट डॉट सेट इमेज सो रैक डॉट कैट इमेज एंड ट्वीट डॉट सेट यूज़र सो so, यहां पर मैं यूजर दे दूंगा ठीक है ट्वीट डॉट सेट रिप्लाई सेट रिप्लाई में मुझे फ़ॉल्स देना है ठीक है ये रिप्लाई नहीं है ये हमारा एक्चुअल ट्वीट है एंड सेट ट्वीट इसको मुझे देना है ट्रू एंड डॉट सेट वीडियो अगर इमेज की जगह वीडियो है तो रेक डॉट गेट वीडियो ठीक है वीडियो दे देना है राइट नाउ लेट्स रिटर्न ईयर सो अब इस ट्वीट को सेव कर देंगे जिसके बाद यहां पर रिटर्न कर देंगे सो ट्विट डिपोजिटरी डॉट सेव एंड ट्वीट ओके एंड नाउ लेट मी गो टू हियर अब फाइंड ओल्ड ट्वीट को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं सो ट्वीट ट्वीट इक्वल टू फाइंड बाय आईडी एंड ट्वीट आईडी यहां पर मुझे देनी है ट्वीट आईडी एक्चुअली यहां पर फाइंड ऑल स्वीट वेट 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 फाइंड ऑल ट्वीट में ये नहीं आएगा फाइंड ऑल ट्वीट में लेट में गो टू ट्वीट सर्विसेस फाइंड ऑल ट्वीट फाइंड बाय आईडी फाइंड ऑल ट्वीट मैंने कहां पर डिफाइंड किया हुआ है रिमूव गेट रेट वेट यहाँ पर ओके okay, सो so इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है फाइंड ऑल ट्वीट में गाइज जो हमारे होम पेज में जितने भी ट्वीट्स दिखाई देती है वो सारी फाइंड ऑल ट्वीट्स में आएगी ठीक है सो लेट्स लेट्स इम्पोर्ट हाँ इम्प्लीमेंट दिस यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ट्वीट रिपोजिटरी, नॉट ट्वीट रिपोजिटरी एक्चुअली फाइंड ऑल ट्वीट या आई थिंक ट्वीट रिपोजिट्री डॉट इसके अंदर का हमने फाइंड ऑल बाय फाइंड ऑल बाय इज फिट ट्रू बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग ऑर्डर ये मेथड हमने दी थी ठीक है सो या इस मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे सो ये क्या करेगी कि ट्वीट में जितने भी में इज ट्वीट ट्रू है वो सारी ट्वीट यहाँ पर मुझे मिल जाएगी इसको ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट में डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट सॉर्ट कर देगी ठीक है एंड इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पर या नाउ लेट्स राइड अवर रीट्वीट मेथड सो री किस लिए होती यूजर uh, कोई भी यूजर रीट्वीट कर सके ठीक है एग्जिस्टिंग ट्वीट को सो री ट्वीट यहाँ पर है यहाँ पर ट्वीट आईडी एंड यूजर आईडी ठीक है सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ट्वीट आई डी सो एक्चुअली ट्वीट सो ट्वीट एक्चुअली फाइंड बाई आई टी एंड इफ ट्वीट डॉट गेट रिटविट यूजर डॉट कंटेंट्स एंड यहां पर मुझे दे देना है यूजर ओके okay. अगर कंटेंट्स करता है तो so मैं क्या करूँगा ट्वीट डॉट गेट रेटविड यूजर डॉट रिमूव एल्स एल्स में क्या करूँगा ट्वीट डॉट गेट रेटविट यूजर हाँ एल्स मैं इसमें ऐड कर दूँगा ठीक है सो ऐड यूजर एंड uh, इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव करके रिटर्न कर दूंगा सो ट्वीट रिपोजिटरी डॉट सेव एंड इस ट्वीट को सेव कर देंगे ओके नाउ गाइस लेट मी एक्सप्लेन वन मोर वन मोर टाइम सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मैंने ट्वीट uh, आई दी थी उस ट्वीट को मैंने पहले तो फाइंड किया अब इस ट्वीट के अंदर मैंने चेक किया कि इसके अंदर जो रेडवीट uh, यूज़र है रेडविट यूज़र की लिस्ट इसके अंदर ये वाला यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है अगर एग्जिस्ट है तो मैं रिमूव कर दूंगा और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा ठीक है सो अन रिट्वीटिट अनिट्विट करने के लिए एंड रिट्वीट करने के लिए दोनों मेथड यहां पर आ जाएगी इसमें ठीक है so, सो ये बात थी नाउ लेट मी फाइंड ट्वीट बाई आई ओके सो लेट्स डू दिस क्या रिटर्न करेगा ट्वीट रिटर्न करेगा क्वल टू विद रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आई डी एंड यहां पर मुझे ट्विट आईडी देनी पड़ेगी ठीक है एंड एल्स और एल्स थ्रो करेंगे यहां पर और एल्स थ्रो ठीक है हां इसके अंदर हम लेम्बड़ा का यूज करेंगे न्यू ट्विट एक्सेप्शन अगर कोई एक्सेप्शन मिलता है तो हम यहाँ पर ट्विट एक्सेप्शन ट्विट नॉट फाउंड दे देंगे ट्विट नॉट फाउंड विथ आई डी एंड यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी ट्वीट आई डी और राइट अब इसी ट्वीट को हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सो so, ये हो चुका हमारा काम खत्म इसके बाद है डिलीट ट्वीट आई डी सॉरी डिलीट ट्वीट बाई आई डी सो so, लेट्स डिलीट इट इसको मैं करता हूं रिमूव एंड डिलीट uh, करने के लिए सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा इस ट्वीट को okay, कि ये ट्वीट एग्जिस्ट है भी या नहीं सो फाइंड बाय फाइंड बाय आई डी ट्वीट आई डी एंड इफ नॉट यूजर आई डी डॉट ए कॉल्स ट्वीट डॉट यहाँ पर हम यहाँ पर मुझे ट्वीट तो मिल गए ठीक है सो इस ट्वीट को जिस यूजर ने क्रिएट किया है वही यूजर इस ट्वीट को डिलीट कर सकता है किसी और यूजर इसको डिलीट नहीं कर सकता तो इसलिए मैं यहाँ या, पर यूजर की आईडी कंपेयर करवा रहा हूँ कि यहाँ पर जो यूजर आईडी है वो वो यूजर आईडी है जो इस ट्वीट को जिसने क्रिएट किया हुआ है मीन्स जो इसको डिलीट कर रहा है ठीक है एंड इस ट्वीट में वो यूजर मिलेगा जिसने इस ट्वीट को क्रिएट किया हुआ है सो यूजर आई डी डॉट इक्वल्स एंड ट्वीट डॉट गेट यूजर डॉट गेट आई डी ठीक है अगर ये इक्वल्स हुआ तो इसको डिलीट करेंगे लेकिन यहां पर मैंने नॉट का साइन लगाया इसका मतलब कि ये इक्वल्स नहीं है So, मैं क्या करूंगा अगर ये इक्वल्स नहीं है तो हाँ यूजर एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा एंड यहां पर मैं एक्सेप्शन में दूंगा कि यू कांट डिलीट अनदर यूजर्स ट्वीट ठीक है यू कांट डिलीट अनदर यूजर्स ट्वीट एंड इसके बाद ट्वीट रिपोजिटरी डॉट डिलीट डिलीट बाई आई एंड यहाँ पर मैं ट्वीट आई डी दे दूंगा सो ट्वीट डॉट गेट आई ठीक है इसको कर देंगे यहाँ पर डिलीट एंड इसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है सो हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर अब गैस यहाँ पर मैंने रेट में कहाँ गया रिट्वीट करते टाइम ही मैंने रिमूव फ्रॉम रिट्वीट कर दिया है सो so, ये वाली जो मेथड है वो मुझे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है सो इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखूँगा बिल्कुल भी ओके okay. एंड uh, इसके बाद क्रिएटेड रिप्लाई सो क्रिएट रिप्लाई सो रिप्लाई को क्रिएट करते हैं यहाँ पर अब इसमें क्या करूँगा कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना वो सभी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि सेम है गाइस ठीक है मुझे केवल इसमें दो तीन चीजें ही आ, चेंज करनी है वो मैं आपको बताता हूं सो लेट मी रिमूव दिस यहां पर देखिए पहले तो न्यू न्यूटिविटी मैंने क्रिएट कर लिया इसके बाद कंटेंट सेट कर दिया क्रिएटेड सेट कर दिया इमेज सेट कर दिया सेट यूजर सेट कर दिया एंड सेट रिप्लाई मैंने फॉल्स किया था तो इसमें सेट रिप्लाई मैं ट्रू करूँगा एंड सेट ट्वीट जो है वो इसको मैं फॉल्स करूँगा ठीक है एंड वन मोर थिंग यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी कि ट्वीट डॉट एक्चुअली में मुझे इसको रिप्लाई देना था अगर रिप्लाई दिया होता तो अच्छा रहता राइट right? बट ओके नो वरीस नो वरिश ट्वीट डॉट सेट रिप्लाई for सेट रिप्लाई for यहाँ पर मुझे कौन से ट्वीट के लिए ये रिप्लाई है वो मुझे देना है ठीक है सो लेट मी फाइंड यर existing ट्वीट सो so, existing या फिर रिप्लाई फोर रिप्लाई फोर नेम दे देता हूँ एंड यहाँ पर मैं फाइंड बाय आई करता हूँ एंड इसमें रेक डॉट केट ट्वीट आई दे दूँगा ओके सो इसके अंदर हमने जो भी ट्वीट की आई दी थी उस ट्वीट की आई से मैं ट्वीट को फाइंड कर दूंगा एंड ये जो रिप्लाई फोर है वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा सो रिप्लाई फोर ठीक है इस ट्वीट के लिए हमने ये वाला रिप्लाई क्रिएट किया हुआ है नाउ लेट्स right, सेव्ड दिस रिप्लाई सो ट्वीट सेव्ड रिप्लाई इक्वल टू ट्वीट रिपोजिट्री डॉट सेव एंड यहां पर रिप्लाई एक्चुअली ट्वीट देना था ओके ये रिप्लाई सेव्ड हो चुका अब जो पहले वाली ट्वीट थी इसमें भी गेट रिप्लाई गेट रिप्लाईट वर्ट्स एंड इसमें इस रिप्लाई को एड कर देंगे सेव्ड रिप्लाई को ठीक है एंड इसको भी सेव कर लेंगे सो ट्विट रिपोजिट्री डॉट सेव एंड रिप्लाई फॉर ठीक है इसको भी सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हमारा रिप्लाई एक्चुअली नॉट रिप्लाई रिप्लाई फोर को रिटर्न करते हैं ठीक है सो रिप्लाई फोर ठीक है जो भी ट्वीट के लिए हमने रिप्लाई लिखा था वो रिप्लाई मैंने यहाँ पर रिटर्न uh, कर दिया है और राइट नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट वन मोर मेथड एंड देट इज नथिंग बट गेट यूजर ट्वीट ठीक है यूजर की ट्वीट गेट करने के लिए सो so इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ लाइक like, uh, ट्वीट रिपोजिट्री ठीक है क्योंकि गाइज इसके लिए हमने रिपोजिटरी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत करके क्वायरी को लिखा हुआ है सो so, अब यहाँ पर कोई ज़्यादा इतना लॉजिक नहीं है सो फाइंड बाय रीट्वीट यूजर कंटेंट्स यूजर आईडी डी स्ट्रो एंड इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देना है एंड यहाँ पर मुझे यूजर की आईडी देनी थी लेट मी गिव इट यूजर डॉट कैट्स आई ओके एंड फाइंड बाय लाइक्स कंटेंट यूज़र सो यूज़र ने जितने भी लाइक्स की है वो सारी ट्वीट मुझे यहाँ पर चाहिए सो इसको भी मैं डायरेक्ट ट्वीट रिपोजिट्री डॉट फाइंड बाय लाइक्स यूजर आई एंड यूज़र डॉट गेट आई दे दूंगा ठीक है इसके साथ इसको सेव करते गाइस एंड लेट मी क्लोज दिस एंड इसको रन करता हूँ यहाँ से रन एज अ स्प्रिंग गुड नाइन एप्लीकेशन एंड इन सभी को सेव कर दूंगा ठीक है सो सारा एरर मेरा जा चुका है और राइट सो ये सर्विस हमारी हो चुकी कंप्लीट यहाँ पर मुझे कुछ एरर मिला है लेट मी चेक व्हाट इज़ दिस एरर Error creating bean with name uh, @tweet service implementation unsatisfied uh, dependency expressed through file @tweet repository error containing tweet repository Enable ZPA repository declare or or declare on JPA repository registration configuration could not create query for public extract and follow logda ticket. okay let me check tweet repository. क्वेरी सो एक्सटेंस जेपी डिपोजिटरी इंटरफेस ट्वीटिटरी आई थिंक ये सही है वैसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए बट uh, फिर बी लेट्स चेक वंस मोर सो क्वेरी भी सही है सिलेक्टी फ्रॉम ट्वीट जॉइन

एयर क्रिएटिंग बीन विथ नेम ट्विट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन सो लेट मी गो टू ट्विट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ओके ट्विट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में मैंने इम्प्लीमेंट्स किया है ट्विट सर्विस को ठीक है ट्विट रिपोजिटरी को मैंने यहाँ पर ऑटो एड किया हुआ है भी कोई दिक्कत नहीं है एंड इसको सर्विस से मैंने एनोटेट किया हुआ है ओके गाइस एक काम कर दें अभी एक और सर्विस हमारी बची हुई है ठीक है लाइक की सर्विस सो so, मैं क्या करता हूँ कि लाइक सर्विस जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ एंड uh, इसके बाद करते इसको ठीक है सो लेट्स डू दिस। लाइक सर्विस जो है ना मैं अभी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ एंड uh, इसके बाद हम हमारा एरर जो है वो रिजोल्व कर लेंगे ठीक है सो लेट मी क्रिएट न्यू क्लास आर नॉट क्लास एक्चुअली इट्स इंटरफेस सो लाइक सर्विस ओके एंड यहां पर uh, मैं मेथड डिफाइंड कर दूंगा पब्लिक लाइक ट्विट्स एंड लॉन्ग ट्वीट आई डी एंड यहाँ पर मुझे यूज़र देना है जो भी यूज़र लाइक करना चाहता है ठीक है थ्रोज यूज़र एक्सेप्शन एंड ट्वीट एक्सेप्शन ठीक है लाइक ट्वीट अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है सेट मेथड रिटर्न टाइप टू वॉइड अच्छा सो इसका रिटर्न टाइप जो है वो मैं लाइक रखूँगा ठीक है एंड इसको मुझे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा एंड यूजर को भी गाइज मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ ओके सो ये जो पहली हमारी मेथड है वो ट्वीट को लाइक like करने के लिए है ठीक है एंड इसी में से गाइज हम अनलाइक भी कर लेंगे ठीक है uh, जो जब भी यूजर हार्ट पे क्लिक करेंगे ना लेट मी सो यू लाइक यहाँ पर ये जो किसका है ये कोड विथ जोस का है ना यहाँ पर अगर यूजर ऐसे लाइक like पे क्लिक करेगा तो लाइक like हो गया ठीक है एंड इसी पे अगर दोबारा क्लिक करता है तो वो अनलाइक हो जाएगा सो so, वो दोनों हम इसी एक मेथड से इम्प्लीमेंट कर लेंगे एंड सेकंड मुझे पब्लिक सॉरी पब्लिक सेकंड चीज़ मुझे चाहिए वो लिस्ट ऑफ लाइक चाहिए ठीक है किसी पर्टिकुलर ट्वीट की आईडी में पास करूं एंड मुझे ऑल द लाइक्स मिल जानी चाहिए लाइक्स एंड यहां पर मैं लॉन्ग ट्वीट की आईडी दे दूंगा ट्रीट्स एक्सेप्शन एंड मैं इस लाइस को लिस्ट को यहाँ से इम्पोर्ट कर दूंगा ओके नाउ लेट्स राइट इट्स इम्प्लीमेंटेशन सो हियर आई विल क्रिएट न्यू क्लास वेर इज न्यू पैग लिख करूँगा एंड क्लोज लेट मी डू दिस अगेन न्यू एंड क्लास में जाऊँगा ओके यहाँ पर मैं दे दूँगा लाइक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन सो लाइक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड यहाँ पर मैं सारा इम्प्लीमेंटेशन इसका लिख दूंगा सो इम्प्लीमेंट्स करूंगा लाइक सर्विस को लाइक सर्विस एंड ये मुझे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड करने को बोलेगा सो मैं ऐड कर दूंगा एंड यहां से मुझे इसको एनोडेट करना पड़ेगा सर्विस एनोडेशन से सो लेट मी एनोटेट इट ओके एंड यहां पर मुझे लाइक like रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी ट्विट सर्विस की जरूरत पड़ेगी एंड ट्विट रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी सो लेट मी डिफाइंड थ्री मेथड लाइक रिपोजिटरी ओके सो लाइक रिपोजिटरी का इंस्टेंस मैं यहां पर बना लूंगा लाइक like लाइक रिपोजिट्री एंड इसके बाद यहाँ पर ट्वीट सर्विस एंड ट्विट सर्विस इसके अलावा ट्विट रिपोजिट्री ट्वीट रिपोजिट्री ठीक है ओके अब इन तीनों को मैं ऑटोवाइड से अनोटेड कर दूंगा ठीक है ऑटोवाइड एंड इसको भी ऑटोवाइड देना पड़ेगा ऑल राइट ना लेट्स इंप्लीमेंट दिस मेथड लाइक ट्वीट सो पहले तो मुझे यहां पर लाइक like को क्रिएट करना पड़ेगा ओके सो लेट्स डू दिस पहले चेक कर लूंगा कि कहीं ये लाइक ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है ठीक है सो इज लाइक एग्जस्ट सो लाइक रिपोजिट्री इक्वल टू लाइक रिपोजिट्री डॉट इज लाइक एग्जिस्ट यहाँ पर ट्वीट आई डी एक्चुअली फर्स्ट क्या है यूजर आई डी मुझे देनी है सो यूजर डॉट गेट आई डी एंड सेकेंड मुझे ट्वीट की आई डी देनी है ठीक है इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये ट्वीट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है फिर मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ इज लाइक एग्जिस्ट इक्वल टू इक्वल नॉट इक्वल टू नॉल नॉट इक्वल टू null. अगर नल नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि लाइक like repository डॉट डिलीट बाई आई टी डिलीट बाई आई इसका मतलब कि मैं इसको अनलाइक कर दूंगा ठीक है सो इज लाइक एग्जिस्ट डॉट कैट आई टी तो इस लाइक like को गायज मैं डिलीट कर दूंगा इसका मतलब कि अनलाइक हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा Uh, क्या चीज़ रिटर्न करूंगा अब मैं मैं यहाँ पर इस लाइक को रिटर्न नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ इस लाइक एग्जिस्ट ओके लेट्स रिटर्न इट्स एंड इसके बाद अगर एग्जिस्ट नहीं है तो मुझे नई ट्वीट नई लाइक क्रिएट करनी पड़ेगी सो ट्वीट ट्वीट इक्वल टू ट्वीट सर्विस फाइंड बाय आईडी, एंड यहां से मुझे ट्वीट मिल जाएगी ओके ओके अब इस ट्वीट के लिए मैं लाइक क्रिएट करना चाहता हूँ सो लेट मी डू दिस लाइक इक्वल टू न्यू लाइक एंड यहां से मुझे कंटेंट सेट कर देना पड़ेगा सो लेट मी डू दिस लाइक डॉट सेट ट्वीट पहले तो कौन सी ट्वीट के लिए है एंड इसके बाद ये लाइक like किस यूजर ने क्रिएट की है तो सेट यूजर लाइक Saved like like repository save like okay and uh, tweet likes dot add saved like. नाफ रिटर्न नल की वजह यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा सेव्ड लाइक like. ठीक है सो so, यहाँ पर गायस हमारी लाइक like क्रिएट हो जाएगी अगर लाइक like एग्जिस्ट है तो इसी को मैं डिलीट कर दूंगा एंड अगर एग्जिस्ट uh, नहीं है तो मैं नहीं क्रिएट कर लूंगा ठीक है एंड इसके बाद गेट ऑल लाइक ओके सो लेट्स डो दिस यहां पर कंट्रोल सेट्स इसको करते हैं रिमूव एंड यहां पर मैंने जो ट्वीट आई डी दी हुई है इससे इस ट्वीट आई डी से मुझे एक ट्वीट फाइंड करनी पड़ेगी सो ट्वीट ट्वीट इक्वल टू ट्वीट सर्विस डॉट फाइंड बाई आई डी ठीक है अब अगर ये ट्वीट नहीं मिली तो यहां पर ट्वीट एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा ठीक है मीन्स सर, ट्वीट सर्विस में मैंने वो मेथड लिखी हुई है तो वहीं से वो ट्वीट एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा अगर ट्वीट मिली तो उस ट्वीट में जितनी भी लाइक्स है वो सारी लाइक्स में यहाँ पर गेट कर लूंगा सो लिस्ट ऑफ लाइक एंड लाइक्स इक्वल टू लाइक रिपोजिट्री डॉट फाइंड by tweet id find by tweet id and yahan par maine de di tweet id that's it now here i can return likes is likes ko main return kar dunga okay so ye bhi kaam hamara ho chuka khatam now let's uh, rerun it once And अब हमारा जो error है इसको solve करते हैं ठीक है दीगे? Okay guys, so problem ये है कि यहाँ पर जितने भी मेथड्स मैंने डिफाइंड किए हुए हैं ना लाइक वन टू थ्री फोर सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है ठीक है लेकिन ये जो क्रिएटेड एट है ये वाला ये इसको ट्वीट में ट्वीट का जो क्लास क्लास है एंटिटी है वहाँ पर इसको मिल नहीं रहा है मीन्स मिल तो रहा है लेकिन यहाँ पर केमल केस मैंने यूज़ नहीं किया है आप देख सकते फर्स्ट लेटर यहाँ पर मैंने कैपिटल रखा हुआ है सो so, दिक्कत ये है लेकिन यहाँ पर मुझे यूज़ करना था कैमल केस सो इसको मुझे स्मॉल करना चाहिए था ठीक है ये एक लौती प्रॉब्लम थी गाइस ठीक है जैसे ही आप ये फिक्स करोगे अपने कोड में सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है नाउ लेट मी कंट्रोल एस इट्स जैसे ही मैंने इसको सेव्ड किया एंड आप देख सकते हैं ये रीरन हो चुका है एंड अब की बार मुझे कोई एरर नहीं मिला है ठीक है so, सो या yeah, गाइस ये दिक्कत थी एंड नाउ uh, हमारी सर्विसेज uh, जैसा कि सब कंप्लीट हो चुकी है तो कंट्रोलर लिखते हैं अब कंट्रोलर uh, स्टार्ट करते हैं ट्वीट कंट्रोलर से स्टार्ट करेंगे सो लेट मी मेक यर वन न्यू क्लास फॉर ट्वीट कंट्रोलर लेट मी गिव इट नेम ट्वीट कंट्रोलर एंड इसके बाद मुझे इसको एनोटेट करना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर से सो लेट मी एनोटेट विथ रेस्ट कंट्रोलर ओके एंड रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट करना पड़ेगा यहाँ पर मैं अपना स्टार्टिंग एंड पॉइंट दे दूंगा सो ए से स्टार्ट होगा एंड ट्वीट्स ठीक है इसका मतलब इस ट्वीट कंट्रोलर के अंदर जितनी भी ए के लिए हम मेथड डिफाइंड करेंगे वो सभी ए पी आई ए पी आई एंड ट्वीट्स ए पी आई लेट्स ट्वीट से स्टार्ट होगी ठीक है सो लेट मी Defined here instance of user service and tweet service so private tweet service and tweet service and I have to make it auto wired also let me define here user service so user service and user service also i need to auto wire it so auto wired and uh, let me import this user service class uh, actually i uh, let me check here i didn't write the user service class okay that's why it's not uh, giving me the suggestion so let me create one service for user as well so what i'm going to do here i will write uh, I will create new class. Actually, I need to make it interface, but uh, no problem, we will uh, change it later. So let me define your user service. User service. And uh, instead of class, I will write here interface. Interface. Okay. And uh, user service may गैस मुझे टोकन जैसे मैं टोकन प्रोवाइड करूँगा तो मुझे यूज़र प्रोफाइल मिलनी चाहिए ठीक है वो मेथड चाहिए इसके अलावा मुझे यूज़र को अपडेट करने के लिए भी चाहिए एंड uh, कोई यूज़र दूसरे यूज़र को फॉलो कर सके ठीक है अनफॉलो कर सके इसलिए भी चाहिए एंड वन मोर चाहिए मुझे यूज़र को सर्च करने के लिए ठीक है सो लेट मी राइड यर ऑल दिस सर्विसेस पब्लिक

Second method and that is nothing but uh, find user profile by JWT. So find user profile by JWT. Okay, and uh, I will write here string and JWT. It will throws user exception. Okay, and uh, नाउ लेट्स राइट मेथड फोर अपडेड यूजर यूजर को अपडेट करने के लिए सो so ये भी अपडेटेड यूजर रिटर्न करेगा एंड अपडेड यूजर एंड हीयर लोंग एंड यूजर आई डी ठीक है यहाँ पर मुझे कौन सी यूज़र आई डी देनी है जिस यूज़र को मैं अपडेट करना चाहता हूँ एंड यहाँ पर मुझे देना है यूज़र ठीक है जो भी डेटा मैं अपडेट करना चाहता हूँ वो मुझे इन फॉर्म ऑफ यूज़र देना पड़ेगा यहाँ से मैं यूजर एक्सेप्शन एक्सेप्स कर दूंगा पब्लिक अब ये मेथड किस लिए है यूजर को फॉलो करने के लिए अनफॉलो करने के लिए ठीक है सो लेट मी राइट यर फॉलो यूजर एंड लोंग गाइस ये मेथड केवल फॉलो करने में नहीं अनफॉलो करने में भी वर्क करेगी ठीक है इसके लिए भी हम इसमें ही लॉजिक लिखेंगे सो लेट्स मूव नाउ यूजर आई डी जिस एंड यहां पर मुझे देना है यूजर ओके थ्रोज यूजर एक्सेप्सन सो यहां पर मैं कौन सी यूजर आई डी प्रोवाइड करूंगा कि जिस यूजर को मैं फॉलो करना चाहता हूँ एंड यहां पर मैं रेक्ट यूजर प्रोवाइड करूंगा ठीक है जो यूजर फॉलो करना चाहता है एंड जिसको फॉलो करना चाहते हैं ओ पब्लिक इसके बाद गाइज यूजर को सर्च करने के लिए मैं मेथड यहां पर डिफाइंड करूंगा जो कि लिस्ट ऑफ यूजर प्रोवाइड करेगा मुझे ठीक है तो सर्च यूजर एंड स्ट्रिंग क्वेरी ओके नाउ लेट्स राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दिस मेथड सो व्हाट आई एम गोना डू आई विल क्रिएट न्यू क्लास हियर So, in the new class and uh, Yapper, user service implementation, user service implementation. Okay, I will implement this method, implements to user service.

सो इस क्लास को मैंने सर्विस एनोटेशन से एनोटेट कर दिया है एंड वन मोर थिंग आई नीड ईयर दैट इज़ नथिंग बट यूज अपोजिट्री सो लेट मी मेक इंस्टेंस ऑफ यूजर रिपोजिट्री सो यूजर रिपोजिट्री एंड यूजर अपोजिट्री ठीक है And for making instance of user repository, I have to auto-wire it. So let me auto-wire it. Okay, now we can start our logic. So let's do this. First method is nothing but find user by ID. So let's find it. It will return me now, it will return user. So user and I have to import this user as well. So let me import it. एंड हीयर यूजर इपोजिट्री डॉट फाइंड यूजर बाई आई डी सो फाइंड बाई आई डी मुझे मेथड यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर मैंने यूजर आई डी दे दी एंड अगर यूजर मिला तो ठीक अदरवाइज हमको ना थ्रो एक्सेप्शन थ्रो सो हियर आई विल राइट और एल्स थ्रो एक्सेप्शन सो हियर new user exception and here i will write user not found found with id user id mm, i think there is one problem what is this user exception I guess I haven't import this user I don't know I have imported or else and here or else throw I okay. or else I will throw the exception so yeah that's right now what I am going to do I will return this user all right so th this method is completed now let's write another method. सो so, ये मेथड क्या करेगी कि जे डब्ल्यू टी रिसीव करेंगी एज अ पैरा पैरामीटर एंड ईमेल फाइंड ई मेल एक्सेस करेगी ठीक है जे डब्ल्यू टी प्रोवाइडर की हेल्प से सो so, मुझे यहाँ पर जे डब्ल्यू टी प्रोवाइडर का इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा सो लेट मेरा डर प्राइवेट जे डब्ल्यू टी प्रोवाइडर ओके जे डब्ल्यू टी प्रोवाइडर And I have to auto-wire this as well. Now, JWT provider using JWT provider, I will uh, get email from token. So, many upper JWT, radia. and now what I'm gonna do, I will find user. So, user equal to user repository dot find by uh, not, uh, yeah, yeah. फाइंड बाई ई मेल ओके सो ई मेल से मैं फाइंड करूंगा यूजर को एंड इसी यूजर को मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा सो यूजर ठीक है बट अगर यू मुझे यहाँ पर यूजर नहीं मिला ठीक है इसके बजाय नल मिला तो मैं क्या करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा ठीक है सो वॉट एम गोना डू लेट मी राय डियर यूजर इक्वल टू इक्वल टू नल ठीक है अगर यूजर नहीं मिला वॉड आई विल थ्रो एक्सेप्शन थ्रो न्यू यूजर एक्सेप्शन आई विल थ्रो न्यू यूजर एक्से यूजर एक्सेप्शन में आई विल राइड यूजर नॉट फाउंड विथ ईमेल एंड यहां से जो भी ई मेल आया है वो ई मेल मैं यहां पर दे दूंगा That's it.

ओके लेट मी सेव इट एंड प्रोसीड कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसने मुझे एरर क्यों दिया रीनेम यूजर ओके सो यहाँ से मुझे रीनेम करना पड़ेगा राइट right. काम करते है यहाँ से ना मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ ओके सो या अब ये एरर नहीं आएगा नाउ लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखेंगे If req. get email या फिर get full name first let's check full name not equal to null अगर full name नहीं है इसका मतलब request में full name आया है ठीक है user full name को update करना चाहता है तो कर देंगे यहाँ से user. full name में req. get full name and इसके बाद if request. get image नॉट इक्वल टू नल इमेज नल नहीं है तो यूजर यूज use, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना चाहता है तो कर देंगे सेट इमेज रिक्वेस्ट डॉट गेट इमेज एंड इसके बाद चेक करेंगे कि इफ रैक डॉट बैकग्राउंड इमेज नॉट इक्वल टू नल देन यूजर डॉट सेट बैकग्राउंड इमेज एंड यहां पर रिक्वेस्ट डॉट गेट बैकग्राउंड इमेज ठीक है एंड लोकेशन बायो वगैरह भी सेट कर देंगे सो लेट्स चेक रिक्वेस्ट डॉट बर्थ डेट गेट बर्थ डेट सो अगर यूजर बर्थ डेट अपडेट करना चाहता है ठीक है सो नॉट इक्वल टू नल न यूजर डॉट सेट बर्थ डेट एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट बर्थ डेट ठीक है रिक्वेस्ट में जो भी बर्थ डेट आएगी वो बर्थ डेट गेट करके इसमें सेट कर देंगे इसके बाद लोकेशन भी चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट लोकेशन नॉट इक्वल टू नल देन यहाँ से यूजर का लोकेशन चेंज कर देंगे सेट लोकेशन एंड इसमें दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट लोकेशन एंड नाउ लेट्स चेंज बायो सो इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट बायो नॉट इक्वल टू नल ठीक है अगर बायो नल नहीं है तो इसका मतलब कि यूज़र अपना बायो चेंज करना चाहता है तो यूज़र डॉट सेट बायो एंड रिक्वेस्ट में जो भी बायो आया होगा ठीक है वो बायो यहाँ पर सेट कर देंगे ट नाउ अगर यूजर अपनी वेबसाइट अपडेट करना चाहता है सो रिक्वेस्ट डॉट गेट वेबसाइट नॉट इक्वल टू नॉल देन यूजर डॉट सेट वेबसाइट एंड रिक्वेस्ट में जो भी वेबसाइट आएगी इसको सेट कर देंगे ठीक है इसके बाद गाइस क्या करेंगे कि ये जो यूजर हमने अपडेट किया है इसको सेव्ड कर लेंगे इसको सेव्ड करने के लिए यूजर रिपोजिट्री डॉट सेव एंड यहाँ पर मुझे ये यूजर दे देना एंड इसके बाद सेव्ड यूजर को मैं रिटर्न कर दूँगा ठीक है so, सो हमारी अपडेट मेथड यहाँ पर हो चुकी कंप्लीट एंड लेट मी मिनिमाइज दिस थिंग ऑल राइट इसके बाद यूजर को फॉलो करने के लिए सो लेट्स डू दिस ओके डू य फर्स्ट तो मैं यूजर को फाइंड करूंगा ठीक है सो इसका नेम मैं दे दूंगा फॉलो यूजर फॉलो टू यूजर फॉलो टू यूजर अब ये यूजर कौन सा है जिसको मुझे फॉलो करना है ठीक है जिसको रेग यूजर फॉलो करना चाहता है सो फाइंड यूजर बाई आई डी एंड यहां पर मैं यूजर आई डी दे दूंगा सो so, इस यूजर को हमें फॉलो करना है ठीक है यहां पर जो भी रेग यूजर है ना वो एक यूज़र इसको फॉलो करना चाहता है यहाँ पर फॉलो टू यूज़र को तो so यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ यूज़र डॉट गेट फॉलोइंग यहाँ पर जो यूज़र मैंने दिया हुआ है ना यूज इस यूज़र की फॉलोइंग में चेक करेंगे कि इट कंटेंट्स फॉलो टू यूज़र क्या फॉलो टू यूज़र को ये कंटेंट्स कर रहा है फॉलो टू यूज़र इसकी फॉलोइंग में ऑलरेडी है दूसरी चीज़ चेक करेंगे कि फॉलो टू यूज़र follow to यूज़र डॉट गेट फॉलोवर्स डॉट कंटेंस ये यूज़र को कंटेंस कर रहा है क्या तो इसका मतलब कि ये ऑलरेडी फॉलो कर रहा है यूज़र को ठीक है यूज़र डेट यूज़र डॉट गेट फॉलोइंग्स इसकी फॉलोइंग्स में अगर फॉलो टू यूज़र एग्जिस्ट है एंड इसके फॉलोवर्स में अगर ये वाला यूज़र एग्जिस्ट है तो इसका मतलब कि ये जो यूज़र है ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहा है तो हमें क्या करना है रिमूव कर देना है इसमें से सो एम गोना डू यर यूजर डॉट गेट फॉलोविंग्स इसकी फॉलोविंग में से डॉट so, फॉलोविंग्स इसकी फॉलोविंग में से, uh, से रिमूव कर दूंगा फॉलो टू यूजर को फॉलो डू यूजर एंड सेकेंड चीज करेंगे कि फॉलो टू यूजर जो है ठीक है इसमें से क्या रिमूव करेंगे फॉलो टू यूजर डॉट गेट फॉलोअर्स इसके फॉलोवर्स में से रिमूव कर देंगे इस यूज़र को बात समझ आई, गाइस अगर ये यूज़र यहाँ पर जो मैंने दिया है ये फॉलोड यूज़र को फॉलो करना चाहता है तो इसके फॉलोअर्स में ये सेट होगा एंड इसकी फॉलोविंग्स में ये वाला यूज़र सेट होगा तो यही मैं चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ अनफॉलो में क्या करूंगा कि इसकी फॉलोइंग में से ही मैं डिलीट कर दूंगा एंड ये जो फॉलोड यूज़र है इसके फॉलोअर्स में से इसको निकाल दूंगा तो ये अनफॉलो हो गया एंड एल्स अगर ऐसा नहीं है ये कंटेंट्स नहीं कर रहा है तो मुझे ऐड करना है ठीक है इसका बिल्कुल रिवर्स करना है सो आई एम गोना डू यूजर डॉट गेट फॉलोविंग इसमें ऐड करना है इस बार मैं रिमूव नहीं करूंगा यहां पर ऐड करूंगा एंड फॉलो डू यूजर डॉट गेट फॉलोअर्स अब इसमें ऐड करूँगा ठीक है रिमूव नहीं करूँगा यहाँ पर यूजर को सो लेट मी डू दिस यूजर को ऐड कर दूँगा दैट्स इट अब मुझे क्या करना है इस फॉलो यूजर एंड इस यूजर इन दोनों को अपडेट कर देना सेवड कर देना सो लेट मी राइट यर यूजर सर्विस सॉरी यूजर रिपोजिट्री डॉट सेव यहाँ पर फॉलो टू यूजर को भी सेव करूँगा मैं एंड दूसरे यूजर को भी सेव कर दूँगा ठीक है जो रेक यूज़र है इसको भी अपडेट कर दूंगा सो so, यूजर ये ग्रेट यूजर है इसको भी अपडेट कर दूंगा अब यहां पर मैं रिटर्न क्या करूंगा फॉलो फॉलो यूजर को रिटर्न कर देता हूं ठीक है सो फॉलो टू यूजर जिस यूजर को मैंने फॉलो किया उसी को मैं रिटर्न कर रहा हूं यहां पर ओके okay. एंड नाउ लास्ट मेथड हमारे पास बची है यूज़र को सर्च करने के लिए सो so, इसमें तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी डॉट सर्च यूज़र गायज ये जो सर्च यूज़र मेथड है मैंने जब ऑथ कंट्रोलर बनाया था इसका फर्स्ट वीडियो जब आया था ठीक है इससे पहले जो वीडियो आया था इसमें यूज़र की रिपोजिटरी जब बनाई थी तो उस टाइम मैंने गायज ये हम सर्च मेथड इसमें डिफाइंड की थी ठीक है अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा राइट एंड डेट्स इट्स नाव लेट्स लेट्स सेव डिट्स फर्स्ट सो क्या करूँगा इसको सेव्ड कर दूंगा एंड ओके सो अब यूज़र की सर्विस भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है अब मैं जाऊँगा ट्विट सर्विस में एंड अब मैं यूज़र सर्विस को यहाँ से इम्पोर्ट कर सकता हूँ ठीक है so, सो मैंने इम्पोर्ट किया और ये इम्पोर्ट हो चुका है एंड वन मोर थिंग इसको मैंने एनोटेट किया या नहीं सर्विस अनोटेशन से मुझे कुछ याद नहीं है लेट मी चेक ओके एनोटेट किया हुआ है सो नो वरीज ना वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड देट इज नथिंग बट ट्विटर कंट्रोलर अब हम हमारा ट्विटर कंट्रोलर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो लेट्स डू दिस पहली मेथड है ट्विट को क्रिएट करने के लिए सो लेट मी राइड यर फर्स्ट मैथड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट कंट्रोल रिस्पॉन्स एंटिटी रिस्पॉन्स एंटिटी एंड ओके बट बिफोर दिस मुझे यहां पर डीटीओ uh, की भी जरूरत पड़ेगी ठीक है सो ट्विट डी टीओ ट्विट डी टीओके सो ये डी टीओ क्लास मैंने बनाई नहीं है ओके आई नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस डी टी ओज एज वेल सो कोई दिक्कत नहीं है चलो बना लेते हैं इसको ट्विट डी टी ओ वगैरह एंड इसके बाद इसका मेपर भी बनाएंगे सो नो आर इस क्लोज दिस क्लोज दिस दिस एज वेल एंड यहाँ पर मैडम गो नो आई विल क्रिएट न्यू पैकेज फर्स्ट एंड कॉम डॉट जोश डॉट डी टी ओ इसका नेम दे दूंगा डी टी ओ इसके अंदर सारी डी टी ओज हम रखेंगे इन साइड दिस वैम गई वील राइड वन क्लास दैट इज नथिंग बट टिट डी टी ओ टिट डी टी ओ एंड ही आई नीड टू डिफाइन सम फील्स सो लेट्स डू दिस प्राइवेट फर्स्ट नथिंग बट लॉन्ग एंड दट इज नथिंग बट आई डी एंड प्राइवेट स्ट्रेंग कंटेंट देन इमेज इसका टाइप भी स्ट्रेंग रहेगा ठीक है क्योंकि यहां पर हम इमेज की यू आर एल पास करने वाला है प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रेंग वीडियो, ठीक है इसके बाद यूजर डी सो यूजर डी टी ओ एंड यूजर ठीक है ये ट्वीट किस यूजर की है इसलिए मैंने यहां पर ट्विटर यूजर डीटीओ डिफाइन किया बट ऑफकोर्स फिलहाल हमारे पास यूजर डी टी ओ नहीं है वी विल विल इंप्लीमेंट दिस यूजर डीटीओ नो वर एस सो प्राइवेट लोकल डेट टाइम लोक कल डेट टाइम जावा डॉट टाइम से आएगा एंड क्रिएटेडेट क्रिएटेड डेट यहाँ पर देना है इसके बाद द टोटल लाइक्स प्राइवेट इंट टोटल टोटल लाइक्स सो टोटल लाइक्स कितनी है ठीक है इस ट्वीट में इसके बाद इंट टोटल रिप्लाईज कितना है इसके लिए

अब गाइज ये इज लाइक्ट मैंने क्यों दिया हुआ है क्योंकि जो भी यूज़र इन है ठीक है जो भी रेग यूज़र है जिसने भी अपना टोकन पास किया हुआ है वो उस यूज़र ने इस ट्वीट को लाइक किया है या नहीं किया है इसलिए मैंने यहाँ पर इज लाइक्ट दिया हुआ है ठीक है क्योंकि इसकी गाइज हमें फ्रंट एंड में ज़रूरत पड़ने वाली है अगर इज लाइक्ट है तो हम जो लाइक का बटन आता है इसको फिल रखेंगे अगर नहीं है तो इसको एम्प्टी रखेंगे ठीक है सो या चीज है एंड इसके बाद प्राइवेट बुलियन एंड इज रीट्वीट सो यहां पर भी सेम गाइज कि रेक यूजर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है ये चेक करने के लिए जस्ट प्राइवेट लिस्ट एंड वन मोर थिंग गाइज कि ये दोनों जो लॉजिक है इज लाइट एंड इज रीट्वीट या आप फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं लेकिन एंड से इजी रहेगा ठीक है और फ्रंट एंड में ये भी दिक्कत आ सकती है कि आपको पेज रिफ्रेश करना पड़े जब भी लाइक करो तब अदरवाइज ये अपडेट ना हो ठीक है दैट्स वाई मैंने एंड से इसको करना सही समझा और वैसे भी एंड से ही आई थिंक होता होगा ठीक है जो ट्विटर वगैरह है आई थिंक वो एंड से ही हैंडल करते होंगे आई एम नॉट ओके लेट्स लेट्स मूव लेट इट बी आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है so, सो इसके बाद यहाँ पर रीड रेडविड यूजर आई डीज रेडविड यूजर्स आई डी सो री ट्विट यूजर्स आई डी ठीक है जितने भी यूज़र ने रेडविड किया है उन सभी यूज़र की यहाँ पर आई डी मुझे प्रोवाइड करनी है प्राइवेट एंड लिस्ट ऑफ ट्वीट डी टी ओ अब ट्वीट डिटियो में यहाँ पर मैं क्या दूंगा रिप्लाई ट्वीट्स सो so, इसके ऊपर कितनी कमेंट्स आई है इसके ऊपर कितने रिप्लाईज आए हैं ठीक है इसलिए है ये चीज़ अब गाइस ये हम यहाँ पर बुक यूज़ कर रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पर मुझे डेटा दे देना है डेटा अगर आप पर आपने बुक इंस्टॉल नहीं किया हुआ है सो वट यू कैन डू आप आ, गेटर सेटर मेथड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं लेकिन मैंने लॉम्बुक uh, इसमें इंस्टॉल कर लिया है तो मैं या yeah, लॉम्बुक का ही यूज़ करूँगा लेकिन आप uh, वो भी कर सकते हैं ठीक है गेटर साइजर मेथड का यूज़ कर सकते हैं एंड लॉम्बुक का यूज़ करके हम बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैंने देट्स वाई हैव यूज अ लॉन्ग बुक एंड नाउ लेट्स क्रिएट दिस यूज अड सो वेन आई ओवर ऑन इट्स

यहाँ पर भी मैं डेटा से एनोडेट कर दूंगा लॉन्ग बुक से गेटर सेटर मेथड के लिए एंड प्राइवेट फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट इज नथिंग बट आई डी सो लॉन्ग इसका टाइप होगा लॉन्ग सेकंड चीज फुल नेम स्ट्रिंग एंड प्राइवेट ईमेल इसके बाद इमेज सो प्राइवेट इमेज प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज के बाद लोकेशन एंड वेबसाइट इसके बाद सो इसका भी टाइप जो है स्ट्रिंग रहेगा वेबसाइट इसके बाद बर्थ डेट वो भी हम मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रखूंगा बर्थ डेट प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल एंड इसके बाद बैकग्राउंड इमेज इसका टाइप भी स्ट्रिंग ही रहेगा सो बैकग्राउंड इमेज दैन इसके बाद बायो सो बायो का टाइप भी स्ट्रिंग ही रहेगा एंड इसके बाद रेग यूज़र सो बुलियन रहेगा इसका टाइप Guys, ये रेग यूजर यहां पर मैंने क्यों दिया हुआ है सो so चेक करने के लिए कि जब भी मैं कोई यूजर फाइंड करूंगा आई से ठीक है so, सो उस ID से फेच किया हुआ user, यूजर यूजर रेग है क्या तो इसलिए मैं यहां पर रेग यूजर दे रहा हूं ये ट्रू और फॉल्स आएगा नथिंग नथिंग मोर देन एट्स एंड प्राइवेट बुलियन यहां पर लॉग इन गूगल ठीक है वैसे तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बट फिर भी चलो दे देते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे प्राइवेट लिस्ट ऑफ यूजर डी एंड ये कौन से फील्ड है फॉलोअर्स सो so इस यूजर के फॉलोअर्स कितने हैं फॉलोअर्स न्यू अरे लिस्ट

Array list That's it and uh, followed private boolean followed. ओके सो गाइज ये चेक करेगा कि दूसरा दूसरे जितने भी यूजर्स है मीन से रेक यूजर के अलावा ये रेक यूजर इसको फॉलोड कर रहा फॉलो कर रहा है क्या अगर है तो यहां पर ट्रू देंगे अदरवाइज फॉल्स फोल दे, देंगे एंड लास्ट थिंग दैट इज नथिंग बट प्राइवेट बोलियन इज वेरीफाइड सो इसका मतलब कि मैंने जो भी यूज़र मीन्स जो भी यूज़र है ठीक है लाइक फाइंड यूज़र फाइंड बाय आईडी हो गया इसके बाद फाइंड बाय जे डब्ल्यू डी मीन्स यूज़र हमारा हो गया मीन्स जितने भी यूज़र है वो यूज़र वेरीफाइड है या नहीं है ठीक है अगर वेरीफाइड है तो ट्रू देना अदरवाइज फॉल्स देना दैट्स दैट इसके अलावा नाउ लेट्स क्रिएट ट्वीट डी टी ओ ओके okay, ये हमारा लास्ट डी है ट्विट डी टी ओ सो वड एम गोना डू आई विल राइट हियर न्यू क्लास एंड इट्स अ इट्स अ लाइक डी टी ओ सो लाइक लाइक डी टी ओके हाँ इसको भी मैं क्या करूँगा यहाँ से बुक में से डेटा को इम्पोर्ट करके सेना कर दूंगा ओके okay. जैसे कि इसके लिए सभी गेटर सेटर मेथड्स जो है वो अलाउड हो जाए एंड यहां पर प्राइवेट लॉन्ग आई डी प्राइवेट यूजर डी टी ओ सो लेट मी इम्पोर्ट दिस एंड यूजर इसके बाद प्राइवेट ट्वीट डी टी ओ सो ट्वीट लेट मी इम्पोर्ट दिस ट्विट डी इट्स ऑलरेडी इंपोर्टेंट लेट मी सेव दिस ओके okay, सो so हमने uh, सारे डीडियोज तो क्रिएट कर लिए अब मुझे इसके लिए गाइज मेपर uh, भी चाहिए ठीक है मेपर चाहिए सो आई एम गोना डू आई विल क्रिएट न्यू पैकेज फॉर दिस डीटीओ डॉट मेपर अब इसके अंदर हम इन सभी डीडियो को मैप करेंगे ठीक है मैप करने के लिए बेसिकली मेथड्स लिखेंगे सो लेट्स डू दिस what i'm going to do i will create new class here and i will give it user dto mapper user dto mapper and uh, i need to write one method here public static user dto to डिटीओ यूजर ओके नॉलेट मी इम्पोर्ट दिस यूजर डिटीओ एंड दिस यूजर एज वेल ऑल राइट अब गाइज इसको मैंने स्टेटिक क्यू रखा हुआ है क्योंकि इसको हम विदाउट इंस्टेंस भी यूज कर सके इसलिए ओके एंड नॉलेट क्रिएट यूजर डिटीओ सो यूजर डी टी ओ एंड यूजर डी टी ओ इक्वल टू न्यू यूजर डी टी ओ अब जितनी भी फील्ड्स थी वो सारी फील्ड्स हम यहाँ पर सेट कर देंगे बट बिफोर दिस लेट मी रिटर्न दिस यूजर डिटीओ सो हमारा एरर जो है वो जा चुके ओके okay. अब मुझ मैंने जितने भी फील्ड्स यूजर डीटीओ में डिफाइंड की थी वो सारी फील्ड्स मैं यहाँ से सेट कर दूंगा सो यूज़र डी टी ओ Dot set ID and user dot get ID, user DTO dot set email, user dot get email, user DTO dot set full name, and user dot get full name, user DTO dot set image. User dot uh, get image. User dot set, uh, background image. User dot get background image. User DTO dot set uh, bio. User dot get bio.

सेट 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 यूजर डी टी ओ डॉट सेट फॉलोअर्स फॉलोवर्स अब फॉलोअर्स में मुझे टू यूजर डी टी ओज का यूज करना पड़ेगा एंड इसमें मुझे देना पड़ेगा यूजर डॉट गेट फॉलोअर्स अब गायज ये टू यूजर डीटीओज क्या है सो so, ये जो टू यूजर डीटीओज़ है वो क्या करेगा कि मल्टीपल यूजर को मीन्स वेन आई पास लिस्ट ऑफ यूजर इट विल टर्न दिस लिस्ट ऑफ़ यूजर टू लिस्ट ऑफ़ यूजर डीटीओज ठीक है सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस मेथड एज वेल एम गोना डू आई विल क्रिएट मिथ दिस मेथड एंड इनसाइड दिस आई विल Define here list of user DTO and user DTOs equal to new array list and here I need to return this user DTOs. Okay, let me user DTOs. डॉट सेट आई डी हा एक्चुअली नॉट लाइक दिस दैट मी यहां पर गाय मुझे फोर लूप का यूज करना पड़ेगा सो वट एम गोना डू यूजर यूजर ठीक है एंड फॉलोअर्स यहां पर जो मैंने फॉलोवर्स दिया हुआ है ना फॉलोवर्स ठीक है इन फॉलोवर्स का मैं यूज करूंगा एंड यहां पर आई विल क्रिएट यूज़र डिटियो सो वट एम गो इमेल फोल एम इमेज इतनी चीज मैं यहां से ले लेता हूँ कॉपी एंड यहां पर कर देता हूं पेस्ट ओके नया यूज़र डी में मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा फोर थिंग्स एंड इसके बाद क्या करूँगा यूज़र डी टी ओ डॉट एट यूजर डी टी ओ जैसे ये यूज़र डी टी ओ वन कम्प्लीट हो जाएगा इसको इसमें ऐड कर दूंगा एंड जैसे फोर लूप खत्म होगी तो मेरे पास लिस्ट ऑफ यूज़र डी टी ओस आ चुके होंगे एंड इसको मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है सो so, ये वाली मेरी मेथड कम्प्लीट हो चुकी है ना लेट्स राइट आई फोर same for following so user dto dot set following and uh, user sorry to user dtos and here i need to give user dot get followings and then यूजर डीटी ओ डॉट सेट लॉग इन विथ गूगल यहाँ पर मैं दे दूंगा यूजर डॉट गेट या फिर इज लॉग इन विथ यूज़र डॉट इज लॉग इन विथ गूगल एंड यूजर डी टी ओ डॉट सेट लोकेशन यूजर डॉट गेट लोकेशन एंड यूजर डी टीओ डॉट सेट वेरीफाइड अब गैज ये वेरीफाइड है या नहीं है तो इसके लिए मुझे एक मेथड uh, बनानी पड़ेगी ठीक है सो और वट वट वी कैन डू अभी के लिए इसको ना मैं कमेंड uh, आउट कर देता हूँ क्योंकि गैज पेमेंट कंट्रोलर मैंने इस वीडियो में आ, आ, इस वीडियो में इम्प्लीमेंट नहीं किया है ठीक है इसमें ऐड नहीं किया है पेमेंट कंट्रोलर जो है वो मैं अलग से बनाने वाला हूँ सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको कमेंट आउट किया है एंड जब मैं पेमेंट कंट्रोलर को ऐड करूँगा ठीक है तब मैं यूज़र डी में ये चीज़ भी अपडेट कर दूँगा ठीक है so, सो अभी इतना ही इतना ही रहने देते हैं यूज़र डी टी ओ पर कंप्लीट हुआ यहाँ पर अब मुझे लिखना है सेम फोर ट्वीट डी में पर ठीक है सेम चीज़ें मुझे लिखनी है ट्वीट के लिए ट्वीट के लिए मुझे डी बनाना है एंड या गैस सो लेट मी डू दिस ओके सो नाउ लेट्स क्रिएट अ ट्वीट डीटीओ में पर ओके यूजर डी टी ओ पर हमारा खत्म हुआ एंड लेट्स क्रिएट ट्वीट डी टी ओ मे पर सो वट एम गोन डू आई विल क्रिएट न्यू क्लास And I will give it name tweet DTO mapper, DTO mapper, and that's it. And we will write here our method so public static tweet DTO to tweet DTO. tweet tweet user.

ठीक है एंड लेट मी ऑल्सो इम्पोर्ट दिस यूजर डीटीओ एंड बोलियन इस लाइक्ट इक्वल टू सो ये जो ट्वीट है वो रेग यूजर से रेग यूजर ने इसको लाइक किया है या नहीं किया है ठीक है इसलिए है सो so, यहां पर मुझे ट्वीट यूटिल ठीक है ट्विट यूटिल इसके अंदर मैं एक मेथड डिफाइंड करूंगा जिसका नेम होगा इज लाइक्ड बाय लाइक बाय रेक यूजर ठीक है यहां पर मैं दूंगा रेक यूजर एंड यहां पर मैं दूंगा ट्वीट सो ऑफ कोर्स मेरे पास ट्विट uh, यूटिल नहीं है सो लेट्स लेट्स क्रिएट इट सो इनसाइड Okay, I will create your new package. So com util, and inside this uh, twitch util I will uh, I will write my all the logics here. So let me write first method public final static Boolean. इज लाइक्ड बाय यूजर एंड यूजर रेक यूजर आई विल गिव इट एंड ट्वीट आई गिव टूजर एंड ट्वीट को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा सो लेट्स इम्पोर्ट दिस टू थिंग देन वॉट आई एम गोट डू आई विल राइड यूर फोर आई विल रन योर लुक लाइक लाइक ट्विट डॉट गेट लाइक्स ठीक है इसने अंदर जितनी भी लाइक्स है वो सारी मैं यहां से एक्सेस कर लूंगा एंड लेट मी इंपोर्ट दिस लाइक मॉडल एंड आई विल चेक यर इफ लाइक डॉट गेट यूजर डॉट गेट आई डॉट इक्वल्स किसके इक्वल होनी चाहिए रेग यूजर की आई डी के इक्वल्स रेग यूजर डॉट get id ठीक है अगर ये मैच करती है इसका मतलब कि रेग यूजर ने इसको लाइक uh, like किया हुआ है सो वट एम गोना रिटर्न यर ट्रू अदरवाइज इसके बाद मैं यहां पर रिटर्न फॉल्स कर दूंगा ओके okay. and uh, public final static boolean is retweet is retweeted by reg user user reg user tweet and tweet for user user and tweet dot get tweet user if user dot get id dot equals req user dot get id अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब कि रेग यूजर ने इसको रिट्वीट किया हुआ है सो so यहां पर मैं ट्रू कर दूंगा अदरवाइज मैं यहां से फॉल्स कर दूंगा ओके okay. So is liked by रेक user and is retweeted by रेक user. So guys let me explain this logic once more. यहाँ पर मैंने क्या किया है For loop चलाया है Tweet में से पहले तो मैंने get likes ठीक है इसके अंदर जितनी भी likes थी वो सारी get कर ली एंड इसमें फिर मैं वन बाई वन लाइक को चेक करूँगा इसके अंदर जो यूज़र है उस यूज़र की आई डी यहाँ पर जो मैंने रेक यूज़र पास किया है उस रेक यूज़र की आई match मैच करती है क्या अगर मैच करती है तो मैं रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ इसका मतलब कि हमारा रेग यूज़र है वो इसकी गेट लाइक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके लाइक्स में प्रेजेंट है ठीक है लाइक्स इसके अंदर जो लाइक्स का अरे है इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे रेग यूज़र ने इसको लाइक like किया हुआ है ये ट्वीट को इसलिए मैं रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ अदरवाइज रिटर्न फॉल्स सेम विथ इज़ रिट्वीटेड बाई रेग यूजर में गाइज यहाँ से मैं रिट्वीट डॉट गेट रिट्वीट यूज़र पर फॉलोअप चलाऊँगा ठीक है ट्वीट डॉट गेट रिट यूजर पर फोन लुक चलाऊंगा एंड इसमें से चेक करूंगा कि इस यूजर की आई हमारे रेग यूजर की आई से अगर मैच कर दी है तो रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स ओके नाउ लेट्स गो टू अवर ट्वीट डी टी ओ मे पर ट्विट डी टी ओ पर यही ना यहां पर ही Okay. What I'm gonna uh, now. What I'm gonna do here. I will uh, write list of long means it's a uh, it's gonna store uh, ID. Okay, user ID. All the user IDs. So read wait read with user ID equal to new array list. And here, 4, user user one, tweet dot get retweet user retweet user ID dot add and user one dot get ID. ठीक है सो ट्वीट डॉट गेट री ट्वीट यूज़र इसमें से मैंने आ, सारे रिट्वीट यूज़र को एक्सेस कर लिया इसमें से वन बाय वन में आ, सारे यूज़र की आई डीज रीट्वीट यूजर आई डी का जो अरे है इसमें ऐड कर दूँगा एंड या यहाँ से मुझे अब लिस्ट ऑफ यूज़र आई डीज मिल जाएगी नाउ लेट मी ट्वीट डी थी ओ इक्वल टू कॉल डू न्यू ट्वीट डिटीओ

your dot set uh, image and tweet dot get image. your dot set uh, total likes. Tweet dot get uh, likes dot uh, length means its size. Okay and. Uh, ट्वीट डी टी ओ डॉट सेट टोटल रिप्लाइज सो टोटल रिप्लाइज इसके अंदर कितने हैं सो ट्विट डॉट गेट रिप्लाइस रिप्लाई ट्वेट्स ठीक है so, इसकी भी यहां से मैं साइज एड करूंगा एंड ट्विट डी टी ओ डोट सेट टोटल रेटवेट्स डॉट गेट रेडविड यूजर एंड इसकी भी मैं यहां पर साइज एड कर दूंगा पीट डी टीओ डॉट सेट यूजर एंड यहां पर मैं यूजर दे दूंगा ठीक है इसके बाद पीट डीटीओ डॉट सेट लाइट सो so, इसमें इज इस लाइक दे दूंगा ट्वीट डी टीओ डॉट सेट अ रीट्वीट इसमें मैं इज इस, अटीटेड uh, दे दूंगा इज इज री ट्वीटेड इज रिट्विटेड इज रिट्विटेड सो एक्चुअली इज रिट्वीटेड मेरे पास नहीं है ओके सो लेट मी डिफाइन दिस इज रिट्वीटेड ईयर बुलियन इज रिट्वीटेड इक्वल टू ट्वीट यूटिल डॉट इसके अंदर गाइज हमने इज रिट्वीटेड बाय रेग यूजर करके एक मेथड बनाई थी ठीक है जिसमें मुझे रेग यूजर एंड ट्वीट पास करना था एंड ये मुझे रेग uh, यूजर ने इसको रिट्वीट किया है या नहीं किया ये बुलियन वैल्यू में प्रोवाइड कर देगा सो या नाउ लेट्स ट्विट डीटीओ डॉट सेट रीडविड यूजर आई डी रीडविड यूजर आई डी एंड ही रीडविट यूजर आई डी ट्विट डीटीओ डॉट सेट रिप्लाई टू So, ट्वीट Let me. Okay, so यहाँ पर मुझे uh, set reply tweets. इसमें list of ट्विटर uh, tweet डिटीओ मुझे pass करना पड़ेगा So इसके लिए तो पहले मुझे uh, tweet में uh, list of tweet को list of tweet डीटीओज में कन्वर्ट uh, करना पड़ेगा सो वट एम गोना डू लेट मी write यर वन मोर मेथड And that is nothing but two, d uh, two tweet DTOs, okay? So public static and a list of tweet DTO two tweet DTOs and a list of tweet, tweets tweets. user रेग यूजर ठीक है सो so, यहां से मैं लिस्ट ऑफ फिट्स लूंगा एंड इसके बदले वट एम डू इसको मैं लिस्ट ऑफ फिट डी में कन्वर्ट कर दूंगा सो लेट मी टू दिस लिस्ट ऑफ ट्वीट डी टी ओ

And uh, tweet DTO, tweet DTO equal to to reply tweet DTO. Okay, actually to reply tweet DTO भी मेरे पास नहीं है. ठीक है, so इसके अंदर मुझे tweet pass करने पड़ेगी and uh, रेग यूज़र पास करना पड़ेगा सो so, ये मुझे क्या करेगा कि टू रिप्लाई ट्वीट डी टी ओ में कन्वर्ट कर देगा ये भी ट्वीट डी टी ओ में कन्वर्ट करेगा लेकिन गायज इसमें क्या होगा कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ़ ट्विट डी टी ओज़ नहीं होगा इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होगी सो so, इसको एक मिनट के लिए हम नल रहने देते हैं एंड बाकी की जो मेथड है इसमें टू ट्वीट डिटी ओ में वो हम कम्प्लीट कर लेते हैं ठीक है देखे? क्योंकि इसके बिना ये जो ट्वीट डी टी ओज़ है ये भी कंप्लीट नहीं होगी यहां पर मुझे इसको आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा और आई एम गोना डू लेट मी कंप्लीट दिस सो टिथ डिटीओज डॉट एट ठीक है एंड आई एम गोना डू आफ्टर दिस फोर लुक आई विल रिटर्न हियर हेयर ओके एंड लेट मी यूज हियर टू ट्वीट डीटीओस। यहां पर मुझे ट्वीट लिस्ट ऑफ ट्वीट रिटर्न करनी है सो ट्वीट डॉट गेट रिप्लाइज, गेट रिप्लाई ट्वीट ओके एंड रेड यूजर पास कर दूंगा ओके okay, इसके बाद ट्वीट डीटीओ डॉट सेट वीडियो। इसमें ट्वीट डॉट गेट वीडियो ओके एंड इसके बाद यहां पर मैं ट्वीट डी टी ओ एक्चुअली ट्वीट सी टी ओ ट्विट डीटीओ रिटर्न कर दूंगा ठीक है अब ये मेथड टू रिप्लाई ट्वीट डी टी ओ मेरे पास नहीं है ठीक है सो इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सो लेट मी इम्प्लीमेंट दिस मेथड इज वेल क्रिएट न्यू मेथड एंड क्या करूँगा कि इन सभी चा सभी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लूँगा ठीक है कॉपी एंड आई विल पेस्ट इटर अब इसमें से मुझे केवल एक चीज ये वाली जो चीज है वो रिमूव कर देनी है and that's it. ये हो चुका मेरा काम खत्म ठीक है सो नाउ लेट्स क्रिएट अवर लाइक डिटीओ मेपर ओके इसको भी लगे हाथ कर ही लेते लाइक डिटीओ मेपर को भी इंप्लीमेंट Okay, so what I'm gonna do here, I will create one more class, new class, and the like DTO mapper. Like DTO mapper. Okay, scan that kind of I will define one method public static like DTO to like DTO. एंड लाइक लाइक यहां पर यूजर रैक यूजर कंट्रोल सेट मुझे यूजर को इंपोर्ट करना था यहां पर सो लेट मे इंपोर्ट यूजर एंड यहां से लाइक like डीटीओ को इम्पोर्ट करना है वो भी कर लूंगा एंड रिटर्न like dto again okay, so let me define here like dto okay like dto like dto equal to new like dto new like dto now let me define here uh, यहाँ पर मुझे यूजर डी में रेग यूजर डी एंड यूजर एंड ट्वीट इन तीनों डी की जरूरत पड़ेगी ठीक है सो लेट बी डिफाइन दिस यूजर डी सो पहले तो यूजर अब ये कौन सा है सो so, ये लाइक like के अंदर जो यूजर होगा इसके लिए है सो लेट मी टू दिस यूजर डी टी ओ पर uh, डीटीओ मेपर डॉट टू यूजर डीटीओ एंड यहां पर मैं दे दूंगा लाइक डॉट गेट यूजर ठीक है इसको हम यूजर डीटीओ में कन्वर्ट कर देंगे वन मोर यूजर जो होगा इसको भी मुझे यूजर डीटीओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देट इज नथिंग बट रेग यूजर को सो लेट्स डू दिस रेग यूजर डीटीओ इक्वल टू यूजर डीटीओ मैपर डॉ टू यूजर डिटीओ यहां पर मैंने रेड यूजर दे दिया अब ट्वीट ट्विट डी टी ओ की भी जरूरत पड़ेगी ठीक है सो ट्विट मेरे पास लाइक के अंदर डिट ट्विट uh, होगा सो लेट्स ट्विट डिटीओ मैपर ट्विट डीटीओ मेपर डॉट टू ट्विट डीटीओ लाइक डॉट गेट ट्विट एंड यहां पर लाइक डीटीओ dot set id like dot get id like dto dot set tweet इसके बाद the like dto dot set user सो यहां पर मुझे देना है यूजर ओके okay. एंड इसके साथ लाइक like डिटीओ को यहां पर मैं रिटर्न कर दूंगा दैट्स इट अब वन मोर मेथड गैस मुझे यहां पर डिफाइन करनी पड़ेगी मल्टीपल डिटीओज के लिए ठीक है लिस्ट ऑफ डी के लिए मैं लिस्ट ऑफ लाइक दूंगा एंड ये लिस्ट ऑफ लाइक डिटीओ क्रिएट करेगी सो लेट्स डू दिस पब्लिक स्टेट इसका रिटर्न टाइप होगा लिस्ट ऑफ लाइक टीटीओ टू लाइक डिडियोस इसका मेथड नेम में दे दूंगा एंड इसके साथ मैं लिस्ट ऑफ लाइक यहां से लूंगा हाँ लेटमी इम्पोर्ट दिस लाइक फ्रॉम जॉडिट यू डील लाइक्स एंड यूजर भी मैं यहां से लूंगा रेग यूजर ओके सो नाउ लेटमी डिफाइंड योर लिस्ट ऑफ लाइक डिटियो like videos. equal to new list for like like likes user dto user user dto mapper यूजर डिटीओ एंड यहां पर लाइक डॉट गेट यूजर ट्वीट डिटीओ सो लेट मी कॉपी दिस पर मुझे रेक यूज रेक यूजर डिटीओ देना था शायद और ठीक है नो प्रॉब्लम आई डोंट थिंक इट विल क्रिएट एनी इश्यू ओके एंड लेट मी कॉपी दिस थिंग यहाँ पर डबल को एक रिमूव कर दूंगा

ओके okay, सो so, अब मेरा डी टी ओ मेपर भी कंप्लीट हो चुका है वॉट एम कर डू लेट्स कंप्लीट अवर ट्वीट कंट्रोलर फाइनली फाइनली गाइज मैं अब ट्वीट uh, कंट्रोलर पे काम कर सकता हूं ठीक है सो लेट्स डू दिस ट्वीट डी टी ओ क्रिएट ट्वीट एंड यहां पर रिक्वेस्ट बॉडी ये रिक्वेस्ट बॉडी में ट्वीट लेगा रिक्वेस्ट एंड यहां पर रिक्वेस्ट हेडर ऑथोराइजेशन एंड यहां पर जेडब्ल्यू एक्सेस करूंगा मैं ऑथोराइजेशन में से Uh, let me import this tweets also import this tweet DTO control Z tweet DTO okay and uh, it will throws user exception and tweet exception. Now let's. Uh, सो so गाय सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा ये यहां पर एक यूजर फाइंड कर लूंगा जो भी मैंने यहां पर जेडब्ल्यू टी टोकन एक्सेस किया है रिक्वेस्ट हेडर में से उसी टोकन से आई विल फाइंड वन यूजर सो यूजर इक्वल टू यूजर सर्विस यूजर सर्विस डॉट फाइंड यूजर प्रोफाइल बाय जे डब्ल्यू टी एंड यहां पर मैं जे डब्ल्यू टी दे दूंगा देन आई विद इम्पोर्ट दिस यूजर इसके बाद यहां पर ट्वीट जो कि हमारी क्रिएटेड ट्वीट होगी सो ट्वीट सर्विस डॉट क्रिएट ट्वीट, ठीक है इस मेथड को यहां पर कॉल कर लूंगा इसमें रिक्वेस्ट एंड यूजर पास कर दूंगा सो so, यहां से मुझे क्रिएटेड ट्वीट मिल जाएगी अब इस ट्वीट को मैं ट्वीट डीटीओ में कन्वर्ट कर दूंगा सो ट्विट डीटीओ ट्वीट डी इक्वल टू ट्विट डी टी ओ मेपर डॉट टू ट्विट डी टी ओ यहाँ पर मुझे ट्वीट देनी पड़ेगी एंड यूजर देना पड़ेगा दैट्स इट नाउ आई विल रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स इंटिटी सो न्यू रिस्पॉन्सिटी इंटिटी के साथ इसको मैं सेंड कर दूँगा सो लेट मी रिस्पॉन्स इंटिटी रिस्पॉन्स इंटिटी एंड यहाँ पर ट्विट डी टी ओ एंड एच डीटी पी स्टेटस एच डी टी पी स्टेटस क्रिएटेड के साथ सेंड करूंगा ठीक है सो ट्वीडी टीओ एच टी टी पी स्टेटस क्रिएटेड के साथ सेंड करूंगा ओके एंड लेट मी ऑल्सो इम्पोर्ट दिस आई थिंक ट्वीडी टीओ इज ऑलरेडी इंपोर्टेड ना

क्योंकि यहाँ पर मैं ट्वीट क्रिएट कर रहा हूँ सो पोस्ट मैपिंग रहेगी क्रिएट ऐसे मैं एंड पॉइंट दे दूंगा ठीक है सो या ये मेथड हो चुकी है हमारी क्रिएट ट्वीट uh, के लिए अब इसी को कॉपी करके मैं अनदर मेथड डिफाइंड करूंगा दैट इज नथिंग बट रिप्लाई के लिए सो so, यहाँ पर मैं रिप्लाई दे दूंगा इंस्टेड ऑफ क्रिएट एंड आई विल चेंज नेम क्रिएट में से रिप्लाई ट्वीट कर दूंगा रिप्लाई ओके okay. बाकी सेम चीजें रहेगी गाइज यहां पर ये जो रिक्वेस्ट एड्रेस एक्सेस करूंगा इसके बाद मैं यूजर को फाइंड करूंगा एंड ट्विट सर्विस में अब ट्विट सर्विस डॉट क्रिएट रिप्लाई आएगा इसके बजाय यहाँ पर सो क्रिएट रिप्लाई एंड यहां पर मुझे देना पड़ेगा रिक्वेस्ट सो लेट मी गेव ओके सो यहां पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि जब हम मैं रिक ट्विट क्रिएट कर रहा था तब उसका टाइप ट्वीट था लेकिन अब इसका टाइप ट्वीट नहीं आएगा अब इसका टाइप आएगा क्रिएट सॉरी ट्वीट रिप्लाई रिक्वेस्ट ट्वीट रिप्लाई रिक्वेस्ट ठीक है ये रिक्वेस्ट मैंने गैस क्रिएट की थी जब हम सर्विसेज लिख रहे थे तब मैंने आपको बताया था ठीक है सो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा एंड यहाँ पर अफकोर्स स्पेल मिस्टेक है यहाँ पर रिक्वेस्ट में टी नहीं दिया हुआ है so, सो वो देख लेना आप लोग ठीक है अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टी नहीं दिया हुआ एंड यह थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है हमसे सो नो वरीज वीकेंड अब ट्वीट सर्विस क्रिएट रिप्लाई आई रिक्वेस्ट यूजर एंड आई थिंक या दैट्स इट फॉर ट्वीट रिप्लाई नाउ लेट मी कॉपी दिस एंड अब लिखते हैं री ट्वीट करने के लिए सो लेट मी डू दिस कंट्रोल वी एंड हियर आई विल गिव पुट मैपिंग इंस्टेड ऑफ पोस्ट मैपिंग ओके एंड आई विल इम्पोर्ट दिस एंड इंस्टेड ऑफ रिप्लाई वट एम गोने कीव इयर पाथ वेरिएबल में गाइज मुझे ट्वीट आई डी देनी पड़ेगी एंड यहाँ पर मुझे रिट्वीट करके एंड पॉइंट देना पड़ेगा एंड uh, यहाँ से मैं नेम चेंज कर दूंगा रिट्वीट कर दूंगा इसका री ट्वीट ओके एंड इसमें इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी मैं क्या लूँगा रिक्वेस्ट बॉडी की यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है सो आई विल रिमूव दिस एंड यहाँ पर मुझे पाथ वेरिएबल एक्सेस करना है यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है एंड लॉन्ग यहाँ पर ट्विट आईडी ओके इसके बाद यहाँ पर यूज़र मैंने फाइंड कर लिया ओके एंड यहाँ से इंस्टेड ऑफ क्रिएट रिप्लाई अब मुझे रीट्वीट कॉल करना पड़ेगा एंड इसमें ट्वीट आईडी एंड यूजर देना है ओके okay. सो so ये रीट्वीट हो जाएगा एंड इसके बाद मुझे इसको सेंड कर देना है एंड दैट्स इट एंड इस बार यहाँ पर क्रिएटेड ना हो गए इसको मैंने अपडेट किया तो मैं ओके okay या फिर एक्सेप्टेड दे सकता हूँ ठीक है सो लेट्स मूव डू द नेक्स्ट पार्ट नाउ अब गाइज मुझे फाइंड बाई ट्वीट आई डी वो मेथड इंप्लीमेंट करनी है इसके लिए मुझे एंड पॉइंट देना पड़ेगा कि अगर मैं कोई आई डी दू एंड आई डी से मैं ट्वीट को फाइंड कर सकू गेट कर सकू सो so, ये गेट मैथ गेट मैपिंग रहने वाली है एंड लेट मी इंपोर्ट दिस गेट मैपिंग एंड यहां पर रिट्वीट uh, में हटाऊंगा एंड केवल ट्वीट आई डी दूंगा एंड इंस्टेड ऑफ रिट्वीट लेट मी राइट इर Find tweet by ID, find tweet by ID, that's it. Okay, same fast variable में से मैं tweet ID accept करूँगा, user को मैंने find किया, अब यहाँ पर retweet की जगह मैं find by ID को call करूँगा, ठीक है? So let me do this, and yeah, that's it. इसके बाद इसको मैं यहाँ पर return कर दूँगा, okay, tweet DTO के साथ. एंड ओके या एक्सेप्टेड आप दे सकते हैं नाउ लेट मी पेस्ट इट अगेन एंड इस बार गाइज हम डिलीट के लिए मैथ लिखेंगे सो डिलीट ट्विट डिलीट डिलीट ट्विट एंड यहां पर मैं रिट्विट की जगह इसको रिमूव कर दूंगा ठीक है अब पुट मैपिंग की बजाय यहां पर आएगा डिलीट मैपिंग सो डिलीट मैपिंग डिलीट मैपिंग एंड लेट मी इम्पोर्ट दिस डिलीट मैपिंग राइट एंड या पाथ वेरिएबल में ऐसे ट्वीट आई डी को मैं एक्सेस करूंगा एंड रिक्वेस्टर में जे डब्ल्यू टी थ्रो एक्सेप एंड सेम है यहाँ पर भी मैंने यूजर एक् uh, कर लिया एक्सेस अब ट्वीट सर्विस में री ट्वीट की बजाय मैं डिलीट ट्वीट को रन रन uh, करूँगा यहाँ पर या फिर इनवोक करूँगा आप ये कह सकते हैं ठीक है थीके? सो डिलीट ट्विट बाई आई डी एंड यहाँ पर मुझे ट्विट आई डी देनी पड़ेगी एंड दूसरी जो है वो मुझे यूजर आई डी देनी है सो लेट मी गेव रेग यूजर्स की आई डी ओके एंड या गाइज ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि ये जो मेथड हमने डिलीट ट्विट बाई आई डी यहाँ पर इनवोक की है वो ना कुछ रिटर्न नहीं करेगी वर्ड करे, रिटर्न करेगी इसलिए इसने मुझे यहाँ पर ये एरर दिया हुआ था Now guys, let's use here API response instead of this tweet DTO. We will use here API response. So what I'm gonna do here? Uh, API response. Override right here, API response. Actually, we don't uh, have API response. Yeah, fair. Uh, we have uh, auth response, but uh, okay, no problem. Let's uh, do one thing. Let's uh, create API response. API response. API response. And response equal to new API response, okay? So let's let's create this API response because we don't have. So let's create one. When I hover on this, why it's not giving me any suggestion? Let me click and hover again. I think now it will. Uh, it has to give me at least suggestion, na? Why it's not giving me suggestion? ओके नो प्रॉब्लम लेट्स क्रिएट इन साइड रिस्पॉन्स न्यू क्लास एंड लेट्स क्रिएट ए बी आई रिस्पॉन्स ओके आई विल अनोटेड विथ डेटा ठीक है सारी गेटर शेटर में थोड़ा में इससे मिल जाएगी इसमें केवल दो चीज़ें मुझे देनी है guys. वो भी प्राइवेट फर्स्ट है मैसेज जिसका टाइप होगा स्ट्रेंग सेकेंड है स्टेटस इसका टाइप होगा बुलियन स्टेटस लेट मी लेट मी मेक इट स्मॉल लेट मी मे दिस ट्वेंटी टी Okay, uh, no, 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 no. Here, I have to return response, and also I need to change a return type of API response. Okay, and let me give it here uh, We deleted successfully, tweet deleted successfully, and status may they true. So, uh, let me save it. ये मेरा एरर चाह चुके सारा रिमो आर्ग्यूमेंट मैच आर रिस्पॉन्स यहाँ पर मैंने डेटा दिया हुआ है फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है सो so, एपीआई रिस्पॉन्स बुलियन स्ट्रिंग एंड सेकेंड इज बुलियन इज अंडिफाइंड सो ए बी आई रिस्पॉन्स इज अंडिफाइंड बाय लेटमी फर्स्ट रिमूव दिस कंट्रोल ए बी आई रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू ए बी आई रिस्पॉन्स ओके यहां पर मैं मैसेज पास कर दूंगा सो वड ए विल पास यंट्रोल भी कर सकता हूं सॉरी एंड यहां से मुझे इसको करना दो रिमूवीआई रिस्पॉन्स इसको भी कर दूंगा रिमूव ओके लेट्स लेट्स डू वन थिंग इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव सेट कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज मैसेज सेंड कर दिया एंड रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस ट्रू ठीक है सो हमारी डिलीट ट्वीट आईडी जो डिलीट ट्वीट है वो भी हो, हो जाएगी कंप्लीट नाउ लेट्स लेट्स कॉपी दिस ओके इसको कॉपी करते हैं एंड अब लिखेंगे गेट ऑल ट्वीट्स के लिए यहां से हमें सारी ट्वीट मिलेगी सो लेट मी रिमूव दिस गेट ऑल ट्वीट गेट ऑल ट्वेट्स एंड या यहाँ पर मुझे पाथ वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है सो लेट मी रिमूव दिस ओके एंड यूजर जर इंस्टेड ऑफ दिस फाइंड बाय आई बाई आम गोन आईडियर फाइंड ऑल टिट्स ओके एंड इट्स कॉन ऑफ लिस्ट ऑफ ट्वीट सो लेट मी इम्पोर्ट दिस लिस्ट यहाँ पर भी मुझे इसका रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ देना पड़ेगा ठीक है सो इंस्टेड ऑफ टू डी टी ओ वनर आईडियर टू ट्विट डी टीओ यहाँ पर ट्वीट्स एंड यूजर मैंने दे दिया सो आई थिंक नाउ इट विल वर्क बट लेट्स यूजर तो यहां पर जो मैंने फाइंड किया था वो दिया मैंने ट्वीट्स uh, ये वाला ट्वीट्स दिया क्या बोल रहा है लेट मी चेक एट कास्ट टू ट्वीट डी टी ओ डी टी ओ मे पर टू ट्वीट डी टी ओस ओके सो राइट लाइक दिस एंड इसको मैं एस दे देता हूँ ट्वीट राइट यहाँ से मुझे सारी ट्वीट मिल जाएगी नाउ लेट्स गेट यूजर्स ट्वीट ओके यानी पर्टिकुलर यूजर की ट्वीट को एक्सेस करते हैं सो लेट मी राइट ईयर गेट ओल ट्वीट गेट यूजर्स ओल ट्वीट ओके एंड यहां पर मुझे देना पड़ेगा यूजर एंड हीयर आई विल गिव यूजर आई डी यूजर आई डी स्टेड ऑफ़ फाइंड ऑल ट्वीट हाँ पहले तो मुझे यहाँ पर इस यूजर आई डी को एक्सेस करना पड़ेगा सो लेट मी एक्सेस दिस यूजर आई डी वॉन आई विल कॉपी दिस पाथ वेरिएबल थिंग आई विल पेस्ट इट वो हीयर एंड इंस्टेड ऑफ ट्वीट आई डी आई विल राइड इूजर आई डी ओके एंड इंस्टेड ऑफ फाइंड ऑल ट्वीट आई विल कॉल इयर Find user by ID. So find, find अच्छा. Okay. Get user tweets. हाँ, get user tweet हमने defined किया था, ठीक है. So लेट्स कॉल इट एंड यहां से मुझे सारी ट्वीट मिल जाएगी इसको आ, ट्वीट डीटियोज में कन्वर्ट करूंगा एंड यहां पर रिटर्न कर दूंगा दैट्स ऑल ओके इसके बाद वॉट एम गाइंड ट्वीट बाई लाइक्स कंटेंट्स यूजर ओके सो लेट मी कॉपी दिस अब यूजर ने जितनी भी ट्वीट लाइक की है वो सारी ट्वीट यहां पर मिलेगी मुझे सो लेट मी गिव इट नेम ईयर फाइंड ट्वीट by likes contents user ठीक है यूजर ने जितने भी ट्वीट लाइक्स की है वो सारी ट्वीट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी पर मुझे यूजर आईडी के साथ यहाँ पर लाइक्स देना पड़ेगा लाइक्स ओके सेम यूजर आईडी को मैं यहाँ से पार्थ वेरिएबल में से एक्सेस करूंगा एंड uh, इसके बाद इंस्टेड ऑफ गेट यूजर ट्वीट और एम गोना कॉल कॉल फाइंड By likes content user and यहाँ पर मैं दे दूंगा user and that's it okay now let me save it and एंड uh, मेरे सारे एरर जाने चाहिए ठीक है okay चले गए सारे errors अब मेरे जा चुके एक भी errors नहीं बचा है great so finally हमारा tweet controller खत्म complete हो चुका

ओके सो आई थिंक लाइक के अंदर दो ही आएगा एक तो लाइक like को क्रिएट करने के लिए लाइक like करने के लिए पोस्ट को एंड उसी में अनलाइक का भी आ जाएगा ठीक है so, सो एक ये किया हो गया एंड दूसरा होगा गेट ऑल लाइक जैसे मैं किसी प्रोडक्ट की या फिर सॉरी नॉट प्रोडक्ट एक्चुअली बट किसी ट्वीट की आईडी पास करूं एंड इस ट्वीट के अंदर जितनी भी लाइक्स है वो सारे लाइक्स मुझे मिल जाए सो लेट्स लेट्स क्रिएट न्यू क्लास दैट इज नथिंग बट लाइक कंट्रोलर इक कंट्रोलर एंड इ टू एनोटेड विथ द रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मेपिंग एंड नाउ लेट मी गिव हियर एपीआई सो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे यहां पर देना पड़ेगा दाइवेट

auto-wire this and auto-wire this as well okay now let's let's write our method so tweet go like carnegie force public uh, response entity response entity and uh, it will return like DTO like लाइक and एंड uh, इसमें guys मुझे कौन कौन सी चीज की ज़रूरत पड़ेगी सो so, सबसे पहले तो मैं जिस ट्वीट को लाइक करना चाहता हूँ ठीक है उसकी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो मैं पाथ वेरिएबल में एड पाथ वेरिएबल से एक्सेस करूँगा so let me give here a uh, method name so it's अब पोस्ट मेपिंग बिकॉज यहाँ पर मैं लाइक को क्रिएट करूँगा ठीक है राइट एंड ट्वीट आई डी यहाँ पर दे देते हैं ट्वीट आई डी एंड इसको करना है मुझे लाइक्स ठीक है सो ऐसे कुछ मैं एंड पॉइंट दूंगा एंड अब इस ट्वीट id को मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा सो दैट में राइडर पाथ variable Path variable and uh, long tweet ID. Okay. Also, let me access here request header. So, request header. Let me close it. Request header and uh, authorization. ऑराइजेशन इसमें से जेडब्ल्यू टी लूंगा मैं सें जे डब्ल्यू टी थ्रोज यूजर एक्सेप्शन टीड एक्सेप्शन एक्चुअली आई नीड टू गिव हियर लाइक दिस ओके एंड ऑलसो लेट मी रिटर्न नल फॉर सम टाइम इसके बाद इसको चेंज कर देंगे ठीक है ओके ना लेट्स लेट्स फाइंड अवर यूजर सो यूजर इक्वल टू यूज सर्विस डॉट फाइंड यूजर बाय फाइंड यूजर फो फाइल बाय जे डब्ल्यू टी एंड यहां पर मुझे जे डब्ल्यू टी दे दे देना है एंड देन लाइक इक्वल टू लाइक सर्विस डॉट लाइक सर्विस डॉट लाइक ट्विट ठीक है यहां पर मुझे ट्वीट आई देनी है एंड यहां पर मुझे देना है यूजर सो लेट मी गिव इट एंड लेट मी इम्पोर्ट दिस यूजर ऑल्सो लेट मी इम्पोर्ट दिस लाइक अब ये जो लाइक like है इसको लाइक like डीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो so, लाइक like

एंड uh, यहां से मुझे एच टी टी पी स्टेटस क्रिएटेड देना है ठीक है क्योंकि मैं यहां पर लाइक like को क्रिएट कर रहा हूं ओके okay, सो so ये हो चुका लाइक like को सॉरी uh, ट्वीट को लाइक like करने के लिए एंड अनलाइक करने के लिए भी गाइज इसकी सर्विस में हमने बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है सो so वो भी इसी में आ जाएगा ठीक है नाउ लेट्स राइट अनदर मेथड दैट इज नथिंग बट गेटिंग ऑल द लाइक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्वीट आई डी सो लेट मी रिमूव दिस एंड यहाँ पर मैं ट्वीट डिफाइंड करूँगा ठीक है यहाँ पर जो भी ट्वीट आई डी मैं डिफाइंड करूंगा उस ट्वीट के अंदर जितनी भी लाइक्स है वो सारी लाइक्स मुझे चाहिए सो लेट मी Get all likes. Get all likes. Okay, and uh, here a list of like DTO. like service dot get all likes यहां पर मुझे देनी है ट्वीट आई डी गेट ऑल लाइक्स एंड जेडब्ल्यू टी मुझे क्यों देना है ओके गेट ऑल लाइक्स ठीक है ट्वीट आईडी मुझे यहां पर दे देनी है दैट्स इट अब यहां यहां पर मुझे लिस्ट ऑफ लाइक डिटीओ को कन्वर्ट करना पड़ेगा सो लेट मी डू दिस एंड टू लाइक डिटीओज ठीक है एंड यहां पर इसको करना पड़ेगा मुझे रिमूव सो लेट मी डू दिस ओके okay, सो so ये हमारा काम हो चुका गैस यहाँ पर मुझे एक नई लाइक्स मिलेगी बल्क्स ऑफ लाइक यहाँ पर भी मुझे डिट्योस मिलेगा सो लेट मी डू दिस ओके एंड अब कंट्रोल कर लेते हैं एंड या दैट्स इट सो हमारा लाइक कंट्रोलर भी कम्प्लीट हो चुका है अब एक कंट्रोलर हमारा बच्चा है ओनली वन दैट इज़ नथिंग बट यूज़र कंट्रोलर सो so, यूज़र कंट्रोलर के अंदर यूज़र को अपडेट करने के लिए है इसके बाद यूज़र की जो प्रोफाइल है इसको गेट करने के लिए है एंड वन मोर है यूज़र uh, को आईडी से फाइंड करने के लिए ठीक है एंड यूज़र uh, को सर्च करने के लिए या ऑफ कोर्स एंड फॉलो यूज़र को फॉलो करने के लिए ओके सो तीन चार मेथड्स और है सो लेट्स कंप्लीट दिस क्विकली गाइस लेट मी गो टू कंट्रोलर एंड हियर आई विल क्रिएट न्यू क्लास फॉर फॉर यूज़र कंट्रोलर

Uh, user, serv uh, user service, user service, service, and uh, user service, and let me auto add it. Also, let me import this user service. Okay, and now what I'm gonna do here, I will uh, define one method for. Uh, get user profile okay get user profile kds so a response entity a response entity it will return user dto let me import this user dto as well get user profile and here i need to give a request header Authorization String JWT and uh, it will throw user exception throws user exception okay and uh, क्लोजिंग टेक क्यों नहीं आया ओके ऑलरेडी क्लोजिंग है सो लेट मी रिटर्न यर नल। इसको कर लेता हूँ क्लियर दैट्स इट। ओके लेट्स राइड यर अवर मेथड, सो यूजर 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 सर्विस डॉट फाइंड यूजर प्रोफाइल फाइंड यूजर प्रोफाइल बाई जे डब्ल्यू टी एंड या इसी यूजर को हम यूजर डी टीओ में कन्वर्ट करेंगे सो लेट मी कन्वर्ट दिस यूजर डी टीओ यूजर डी टीओ इक्वल टू न्यू यूजर डीटीओ नॉट एक्चुअली यूजर डीटीओ में अप डॉट टू यूजर डी टीओ एंड यहां पर मैंने यूजर दे दिया अब यूजर डी टी ओ डॉट सेट रेग यूजर अब रेग यूजर में यहां पर मैं ट्रू दूंगा गैस ठीक है क्योंकि एंड यहां पर न्यू रिस्पॉन्स इंडिटी को रिटर्न करूंगा And here user DTO and HTTP status dot accepted. Okay. Now let's write another method. Uh, but first, let me define. Uh,

एंड इंस्टेड ऑफ़ प्रोफाइल हेयर वॉट एम गोर्न डिव गिव हेयर यहाँ पर मुझे यूजर आई डी देनी पड़ेगी ठीक है सो यूजर आई डी एंड इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टर रिक्वेस्ट हेडर को मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर मैं पाथ uh, वेरिएबल लेता हूँ ठीक है सो पाथ वेरिएबल एंड लॉन्ग एंड यहाँ पर मुझे देना है यूजर आई डी सो गाइज वॉट एम गोर्न डू लेट मी मेक इट

वन मोर यूज़र ठीक है सो गोना डू इसको मैं रेग यूजर को इसको मैं बोल दूंगा इसको कर दूंगा रेग यूजर ठीक है अब दूसरा यूजर इक्वल टू यूजर सर्विस डॉट फाइंड यूजर बाय आईडी डी यहां से मैं दे दूंगा यूजर आईडी डी एंड ये यूजर को मैं यहां पर रिटर्न करूंगा अब यहाँ पर यूजर दिया इसको मैंने यूजर डी में कन्वर्ट किया एंड या yeah. अब यहां पर मैं कर दूंगा फॉल्स ठीक है क्योंकि ये नो नो एक्चुअली नॉट फॉल्स यहां पर फॉल्स नहीं करूंगा यहां पर मैं चेक करूंगा ठीक है सो आई एम गो नॉट चेक येटमी यूजर यूटिल्स ओके सो गाइस यहां पर let's create one method sorry one class that is nothing but user util user util and user util mi method defined karte okay so let me go to user util अब इसके अंदर गाय हम एक मेथड डिफाइंड करते हैं जहां पर हम मैं दो यूजर पास करूंगा एंड uh, इसको मैच कराऊंगा कि ये दोनों यूजर की आईडी अगर मैच करती है तो ये रेग यूजर है अदरवाइज ये रेग यूजर नहीं है सो लेट मी डू दिस पब्लिक स्टेटिक फाइनल एंड इसका रिटर्न टाइप होगा बुलियन देन इज रेग यूजर एंड ये यूजर लेगा एज ए रेट यूजर एंड दूसरा यूजर भी लेगा सो लेट मी गिव इट यूजर टू एंड आई नीड टू इंपोर्ट दिस यूजर एज वेल सो लेट मी इंपोर्ट दिस एंड यहाँ पर गायस में डायरेक्टली रेग यूजर जो है उसकी आई डी डॉट गेट आई डी सॉरी गेट आई डी गेट आई डी को कंपेयर कराऊंगा यूजर टू की आई डी से डॉट केट आई डी ठीक है अगर इक्वल्स है तो ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा नो नोवर लेट मी पब्लिक स्टैटिक फाइनल बुलियन इज फॉलोड बाय रेग यूजर इज फॉलोड बाय रेग यूजर एंड यहां पर यूजर दे देते हैं रेग यूजर यूजर एंड यूजर टू सो गाइस अब ये किस लिए है यहां पर मैंने दो यूजर दिया हुआ है ये चेक करेगा कि ये जो रेग यूजर है मींस इज हरेक यूजर इस यूजर टू को यूजर टू को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है इसलिए सो लेट मे रिट सो रेग यूजर डॉट गेट फॉलोइंग्स डॉट कंटेंट्स यूजर टू ठीक है रेग यूजर की फॉलोइंग्स में अगर यूजर टू है इसका मतलब रेग यूजर जो है उसको ये फॉलो कर रहा है यूजर टू ठीक है ऑल राइट नाउ लेट मी गो टू यूजर कंट्रोलर एंड लेट्स कंप्लीट अवर द लेफ्ट मेथड सो यूजर कंट्रोलर ओके यूजर डीटीओ डॉट सेट यूजर अब यूजर यूजर यूटिल यूजर यूटिल डॉट इज रेक यू सर ठीक है यहां पर मैं यूज रेक्यूजर एंड रेक यूजर में यूजर रेक यूजर एंड यूजर दे दूंगा ठीक है चेक कर लेंगे कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है सो यूजर यूटिल यूजर यूटिल डॉट इज फॉलोड बाई रेग यूजर एंड यहां पर भी मुझे रेग यूजर एंड यूजर देना है दैट्स इट।

सर्च यूजर कैड मैपिंग यहां पर सर्च यूजर एंड यहां से सर्च यूजर यहां पर मुझे देनी पड़ेगी क्वायरी ओके सो क्वायरी गाइस मुझे रिक्वेस्ट पैरामीटर में लेनी पड़ेगी यहां पर पाथ वेरिएबल की जरूरत नहीं है अब मुझे इसका जगह मुझे क्वाइरी पैरामीटर की जरूरत है सो लेट मी टे रिक्वेस्ट पैरामीटर लेट मी एक्सेस रिक्वेस्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट पैराम्स स्ट्रिंग एंड क्वायरी सो अच्छा इट विल रिटर्न मी लिस्ट ऑफ़ यूजर नॉट ओनली यूजर्स लेट मी टू दिस एंड लेट मी इम्पोर्ट दिस लिस्ट ऑल्सो यहाँ पर भी गाइज ये अब लिस्ट ऑफ़ यूज़र यूजर डिटी ओ को रिटर्न करेगा ऑफकोर्स ओके सो अब यहाँ से टू यूजर डिटीओ की बजाय टू यूजर डिटीओज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे इसको एंड इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी मैं लिस्ट ऑफ़ यूजर डिटी ओ दे दूँगा ओके okay. एंड uh, इसके अंदर आई थिंक दो मेथड है फर्स्ट uh, मुझे देना लिस्ट ऑफ यूजर ओके लेट डी टी ओ यूजर डी टी ओ एक ही है क्या यूजर डीटीओस मैंने दिया था ना टू यूजर डीटीओस ओके सो लेट मी गो टू डी यूजर डीटी ओ मैपर एंड लेट मी चेक विच मेथड आई एव राइट फॉर दिस टू यूजर डी टी यूज ये वाली मैथड दी है राइट कॉपी हाँ ओके सो लेट मी गो टू यूजर कंट्रोल और एंड पेस्ट टू वो टू यूजीओस यहां पर मुझे क्या देना है लिस्ट ऑफ यूजर सो लेट मी गिव इट लिस्ट ऑफ यूजर एंड यूजर यूजर्स यूजर्स मुझे यहां से मिलेगा एंड ये क्या बोल रहा है चैंस विजिबिलिटी टू यूजर डी टी ओज टू पब्लिक Oh my god i have written to private but I'm need to make it, uh, i need to make it i need to make it make it make it make it i need to make it public so where it is user dto mapper public okay now let me go to user controller and yeah रिमूव दिस नॉन एड दिस यहां से कर देंगे इसको रिमूव ओके एंड यूजर डिटीओ की बजाय यूजर डिटीओज दे देंगे यहाँ पर दैट्स इट्स कंट्रोल एंड ओके एक बार लेट मी से फाइल्स एंड इन दोनों को करते हैं रिमूव ओके गाइस सो ये काम हो चुका हमारा कम्प्लीट नाउ लेट्स अपडेट यूजर एंड देन फॉलो यूजर दो मेथड अभी भी बची है सो लेट्स कम्प्लीट दिस क्विकली आई विल कॉपी दिस थिंग एंड नाउ इंस्टेड ऑफ गेट मैपिंग यहाँ पर पुट मैपिंग आएगा ठीक है सो लेट मी इम्पोर्टेंट दिस एंड सर्च की जगह यहाँ पर आ जाएगा अपडेट Update and uh, instead of uh, request parameters, aayega request body, so request body and user and requests. Okay, and uh, now what I'm gonna do instead of search user, let me uh, call here update user, so update user. यहाँ पर मुझे देना है यूजर की आई डी सो यूजर डॉट सॉरी रेक यूजर रेक यूजर डॉट गेट आई डी एंड यहां से जो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट मुझे देनी है दैट्स इट अब ये यूजर रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ नहीं ठीक है यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ नहीं आएगा केवल यूजर डी आएगा ओके इसके बाद इसको भी चेंज कर लेते हैं एंड डी कर देते हैं डी टी ओ एंड इंस्टेड ऑफ यूजर लेट मी मेक इट यूजर एंड यहां पर भी यूजर कर देते हैं ठीक है यहां पर भी डी कर देते हैं सो so ये हो चुकी हमारी अपडेट मेथड एंड नाउ लेट मी कॉपी दिस एंड सेम गाइज फॉलो के लिए भी हमें पुट में ही रखना है बट यहाँ पर मैं दे दूँगा यूज़र आई डी सो यूज़र आई डी एंड यहाँ पर मुझे देना है फॉलो ठीक है इस यूज़र को मुझे फॉलो करना है सो रेक यूज़र जो है वो इस यूज़र को फॉलो करेगा एंड इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी अब यहाँ पर रिक्वेस्ट सॉरी पाथ वेरिएबल एक्सेस करूँगा मैं एंड इसका टाइप जो है वो लॉन्ग रहेगा

एंड इसमें यूजर आई डी एंड रिक्वेस्ट यूजर सॉरी रिएक्ट यूजर दे दूंगा रिक्वेस्ट यूजर या रिक्वेस्ट यूजर रिएक्ट यूजर का मतलब है रिक्वेस्ट यूजर एंड यहां पर गाय मैं यूजर डी टीओ डॉट सेट फॉलोड में यूजर यूटिल डॉट इज फॉलोड बाय रेक यूजर मैं रेक यूजर एंड अपडेटेड यूजर दूंगा ठीक है ये हमारा जो ये ये यूजर जो मुझे मिलेगा ये अपडेटेड यूजर मिलेगा ठीक है अपडेट होके मिलेगा दैट्स इट नाउ कंट्रोल एस ओके गाइस सो आई थिंक यहाँ पर हमारा बेकेंड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है फिनिश हो चुका है अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे इन सभी ए को टेस्ट करेंगे एंड आई डोंट थिंक कि मुझे कोई एरर मिलेगा अगर मिलेगा भी तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम ए टेस्ट करेंगे तब वो सारा फिक्स कर लेंगे ठीक है वैसे तो अभी मुझे कोई एरर मिला नहीं है यहाँ पर एरर नहीं है लेकिन गाइस प्रोग्रामिंग अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो और एरर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ठीक है सो या जो भी जितने भी एरर आएंगे वो सारे नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स कर लेंगे जब एपीआई टेस्ट करेंगे ठीक है अगर नहीं आया तो अच्छी बात है और आया तो उसको हम फिक्स कर लेंगे ठीक है so, सो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में